Terima <small> kasih telah menonton! नमस्कार स्वागत है आपका दृष्टि के ऑनलाइन प्रीलिम्स प्रोग्राम में आज हम लोग एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं यह इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन यह तीन चार पार्ट या तीन चार हिस्से इस पूरे के पूरे सेगमेंट में शामिल होंगे आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं कुछ बेसिक चर्चाओं के साथ कुछ शब्दावलियों के साथ कुछ मूलभूत संकल्पनाओं के साथ जिसके लिए आप दृष्टि की क्विक बुक के चैप्टर नंबर एक दो और छः को आधार के रूप में ले सकते हैं उससे आप प्रेफरेंस लेकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये सिलेबस का वह हिस्सा है जहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अधिकतर क्वेश्चंस के पूछे जाने के पीछे कारण है कि आई के साथ आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को कंबाइन कर देना और जब प्रिलिम्स में इन दोनों सर्विसेज को कंबाइन कर दिया गया तो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए स्पेशली ऐसा माना जाता है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन बढ़ गए हैं। एक कारण है इसका दूसरा कारण है कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण या बढ़ती हुई तकनीकी हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण में कई तरह की समस्याएं आ गई हैं और पर्यावरण की समस्याएं जब आती हैं तो यह पूरी की पूरी मानव जाति को प्रभावित करने का काम करती हैं अब जब पूरी मानव जाति प्रभावित हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि चिंताएं भी स्थानीय स्तर की ना होकर वैश्विक स्तर की हो जाती हैं और जब चिंताएं वैश्विक स्तर की हो जाती हैं तो यह पहलू अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है चाहे वह एग्जामिनेशन हो चाहे वह सरकारें हों या चाहे वह दिन प्रतिदिन की चर्चाएं हों विषय वस्तुएं हों तो इसके पीछे कई कारण हैं इसके महत्वपूर्ण होने के इनको समझना जरूरी है पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट होता है कितना फ्रूटफुल हो पाएंगी या कितना फ्रूटफुल नहीं हो पाती हैं इन सभी बातों का अगर आधार देखें तो इन सभी बातों का आधार इसी बात में शामिल है या इसी बात में निहित है कि हम इनकी समस्याओं को कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं देखिए तो पर्यावरण क्या है पर्यावरण क्या नहीं है पर्यावरण के घटक क्या है पर्यावरण के सिद्धांत क्या हैं इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे निश्चित रूप से लेकिन हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं जिस प्रकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं उस प्रकृति के अपने कुछ नियम होते हैं अपने कुछ तौर तरीके होते हैं कार्यशैली होती है और जब तक हम उस नियम को नहीं समझेंगे जैसे कि हमारे शरीर के काम करने की एक विधि है किसी को अगर शरीर का इलाज करना है तो सबसे पहली शर्त यह है कि उस शरीर को ठीक से समझ ले अगर शरीर को समझेगा नहीं जैसे उसको यही नहीं पता कि कान सुनने का काम करते हैं तो कान की समस्या का समाधान वह व्यक्ति नहीं कर सकता है लाख कोशिश करके कोई मर जाए तो कान से देखने की क्रिया नहीं हो सकती यह बात कब समझ में आएगी जब शारीरिक संरचना और शारीरिक क्रियाशीलता को हम लोग ठीक से समझ पाते हैं यानी कि शरीर के नियम को सिद्धांत को ठीक से समझ पाते हैं तो उसी तरीके से प्रकृति के अपने कुछ सिद्धांत हैं प्रकृति उन सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करती है जब जब उस व्यवहार के प्रतिकूल यानी कि व्यवहार के विपरीत हम जाने की कोशिश करते हैं तभी प्रकृति में समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती वो है वो प्रकृति के नियम क्या हैं वह प्रकृति किन सिद्धांतों पर काम करती है क्या वो सिद्धांत सही में केवल सिद्धांत हैं या व्यवहारिक रूप से भी उनको हम लोग देख सकते हैं उनका प्रतिबिंबन हो पाता है इन सारे पहलुओं को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के कुछ नियम के बारे में लॉज ऑफ द नेचर प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जैसे कि पहला सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं से जुड़ी होती हैं एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग दूसरा है सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है तीसरा है प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और चौथी बात इसकी है ये चार बिंदु हो सकते हैं सारे विषयों के बिंदुओं की तरह ये चार पॉइंट हो सकते हैं लेकिन दरअसल ये चार पॉइंट नहीं है यह नेचर के फिलोसफी है यह प्रकृति के दर्शन है और इसी दर्शन के आधार पर ही प्रकृति अपना व्यवहार करती है अपने रंग रूप दिखाती है यह जान लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं केवल समाधान की बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमें ठीक करना है लेकिन जब तक हम इसके नेचर को नहीं समझेंगे जब तक इस प्रकृति को हम ठीक से नहीं समझेंगे इसके क्रियाशीलता को नहीं समझेंगे इसके नियम को नहीं समझेंगे कि किस कानून के तहत और ये कानून किसी संविधान में लिखा नहीं हुआ है बल्कि प्रकृति का कानून अपना ही कानून होता है कि किस कानून के तहत यह प्रकृति व्यवहार करती है तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं देखिए सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं वस्तु से जुड़ी होती हैं अंग्रेजी में कहें इसको तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग कहने का मतलब यह होता है कि पृथ्वी के किसी कोने पर पृथ्वी के किसी कोने पर कोई भी घटना हो या पृथ्वी के दूसरे अंतिम छोर पर बैठे हुए किसी जीव किसी स्थलाकृति या किसी मनुष्य को निश्चित रूप से प्रभावित करती है थोड़ी सी इसकी अतिशयोक्ति करके हम लोग बात करें तो बात ऐसे की जाती है कि एक तितली अगर भारत में पंख फैलाती है या फड़फड़ाती है तो इसका प्रभाव अंटार्कटिका पर पड़ता है यह थोड़ी सी अतिशोक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन यह कहीं ना कहीं सच है कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में हो रही घटनाओं का दुष्प्रभाव भारत में देखा जा सकता है भारत में हो रही घटनाओं का प्रभाव किसी दूसरे देश में देखा जा सकता है और किसी दूसरे देश में हो रही घटनाओं का प्रभाव किसी तीसरे देश में देखा जाता है ये सारी बातें होती हैं नेचर के तहत मतलब कि किसी भी दो चीजों को हम सेपरेट करके नेचर में नहीं देख सकते जंगल काट दें तो जीव जंतु मर जाएंगे जीव जंतु मर ज... मर जाए अगर बायोडायवर्सिटी लूज कर जाएगी बायोडायवर्सिटी लूज कर जाएगी मनुष्यों की स्मिता पर संकट आ जाएगा तो सारी चीजें सारी चीजों से जुड़ी होती हैं। यह पहला नियम होता है दूसरा है सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है अंग्रेजी में इसको कहें हम लोग तो एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं जाना है और कहीं ना कहीं कहां जाना है तो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ जाना है एवरीथिंग टेंट्स टूवर्ड्स देयर मैक्सिमम एंट्रोपी सभी वस्तुएं अपने विनाश की तरफ जाती जैसे जब कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने की खुशी घर में होती है भारतीय समाज ऐसा है भी कि बच्चे के जन्म पर उत्सव मनाता है पहला वर्षगांठ बच्चे का यादगार वर्षगांठ होता है जन्मदिन होता है बर्थडे होता है लेकिन सच यह है कि पहले वर्षगांठ पर उस बच्चे के जीवन का एक साल खत्म हो गया कम हो गया यानी कि वह धीरे धीरे अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है इसी तरीके से छोटा सा पौधा जब पैदा होता है अंकुरित तो होता है अंकुरण के बाद जब वह पौधे में तब्दील होता है पौधे के बाद पेड़ में तब्दील होता है तो वास्तविक रूप से वह अपनी बर्बादी की तरफ अग्रसर हो रहा होता है अपने जीवन को पूरा करने की दिशा में चल रहा होता है तो सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है का मतलब है कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है कहा जाता है कि वनली कॉन्स्टेंट इन नेचर इज चेंज प्रकृति में केवल एक ही बात है जो नहीं बदलती वह है परिवर्तन परिवर्तन को छोड़कर सारी बातें बदलती है तो ये कहीं ना कहीं जाना है यहां पर जैसे कि सपोज करिए कि अगर गंगा में कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो गंगा का पॉल्यूशन बंगाल की खाड़ी होते हुए यह इंडोनेशिया के क्षेत्र से भी आगे निकल सकता है मैक्सिमम एंट्रोपी का मतलब होता है कि अगर नदी को ऐसे भी हम लोग छोड़ दें तो वह नदी एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी तरह से सूख जाएगी बर्बाद हो जाएगी या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर कुछ भी मनुष्य ना करे तो भी हर चीज का एक समय फिक्स होता है तीसरा है प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता इसको कहा जाता है देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन द नेचर अब जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमें धूप फ्री में मिल रही है हमें हवा फ्री में मिल रही है हमें प्रकृति से बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं अगर उस सेंस में देखें तो ये वाला जो तीसरा पॉइंट है हमारा यह उल्टा हो जाता है कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाता है कि भाई धूप के लिए हम कोई टैक्स तो पे नहीं करते हवा के लिए कोई टैक्स तो पे नहीं करते तो फिर ये मुफ्त में हमें कैसे नहीं मिल रही है क्यों हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति कुछ भी मुफ्त में नहीं देती है बहुत दिनों तक लोगों का यही मानना था कि प्रकृति में ये सारी चीजें फ्री में अवेल होती हैं फ्री में अवेलेबल होती हैं और जब फ्री में अवेलेबल होती हैं तो लोगों ने उसका दोहन करना शुरू कर दिया और दोहन इस हद तक कर दिया इस हद तक कर दिया कि आज उन्हीं बर्बाद की गई चीजों के लिए हम रो रहे हैं जिनको हमने अंधाधुंध तरीके से बर्बाद किया आज उन्हीं चीजों के लिए हम पछता रहे हैं और उसी को पुनः प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है इस बात को समझिए जैसे कि अगर आपको धूप चाहिए आपकी स्किन को बर्न करना पड़ता है जाकर धूप में अगर आपको सांस लेनी है और यह सांस हवाओं में मुफ्त में मिलती है तो इस सांस के साथ आपके शरीर को कुछ फंक्शन करना पड़ता है जिससे वायुमंडल की सभी गैसें आपके अंदर ना जाएं उनको फिल्टर करना पड़ता है यानी एक कार्य करना पड़ता है जिससे आपको ऑक्सीजन आपके शरीर में मिल पाता है मुफ्त में नहीं मिलता जैसे कि अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं हम लोग गर्मी के दिन में आजकल बड़ा प्रचलन है एयर कंडीशन चलाने का बाहर का टेम्परेचर छियालीस डिग्री सेंटीग्रेड हमने एयर कंडीशन चला लिया और टेम्परेचर हमारे रूम का हो गया चौबीस डिग्री सेंटीग्रेड मजा ही आ गया लेकिन यह मजा तब सजा में बदल जाता है जब हम एसी के पीछे जाकर एग्जॉस्ट के पास देखते हैं वहां पर गर्म हवाएं गर्म गैसें निकल रही होती यानी कि हमने एक चीज ली एक चीज हमने प्रकृति से ली अपने तकनीक से ली कि प्रकृति के टेम्परेचर को कम कर दिया उसके बदले में प्रकृतिक तापमान बाहर कहीं और ज्यादा बढ़ गया कुछ भी मुफ्त में मिलने वाला नहीं है तो इस बात की हमें कदर करनी पड़ेगी कि नेचर के प्रकृति के हरेक वस्तुओं का सम्मान पूरा पूरा होना चाहिए चौथी बात है कि प्रकृति सर्वोत्तम जानती है नेचर नोज द बेस्ट नेचर नोज द बेस्ट का मतलब होता है कि कहां पर कौन सा एक्शन लेना है कहां पर कौन सा रिएक्शन देना है कहां पर किस तरह की घटनाएं उत्पन्न करनी है यह प्रकृति के लिए कोई और डिसाइड नहीं करेगा बल्कि स्वतः प्रकृति ही इसका निर्धारण करती है तो हम बिना जाने जब जब प्रकृति में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं जब जब नेचर में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं उसी समय दंड स्वरूप हमें कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है जैसे हमने जंगलों को जब पूरी तरह से काट दिया तो वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव आ गया पैटर्न में चेंज आ गया बाढ़ और सूखे की चरम स्थितियां बढ़ने लगी क्यों क्योंकि हमने बिना सोचे समझे जंगल काट दिया हो सकता है कि वहां के जंगल नहीं काटने थे जब प्रकृति को बर्बाद करना होगा तो इसके लिए क्षण भर का काम है एक ज्वालामुखी की क्रिया हो जाएगी एक भूकंप की क्रिया हो जाएगी और सब कुछ तहस नहस होकर रह जाएगा तो ये प्रकृति के चार नियम हैं जब भी हम प्रकृति के बारे में कुछ बात करें समझें सोचें उपाय करें पॉलिसीज बनाए नियम बनाए सम्मेलन के तहत हम कुछ समझौते करें इन बातों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता होती है यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है डिस्कशन के दृष्टि से क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में पर्यावरणीय नैतिकता के ऊपर क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है सतत विकास और पर्यावरण को एक साथ जोड़कर क्योंकि सतत विकास की संकल्पनाओं में लगातार परिवर्तन आता जा रहा है इन सारी चीजों को देखते हुए यह टॉपिक पूरी तरह से यह पहलू पूरी तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं अब पर्यावरण का मतलब केवल इतना सा नहीं रह गया कि हमारे चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहते हैं सिर्फ इतना सा नहीं रह गया उसके सभी आयामों को संतुलित करके और समावेश करना यानी कि इंक्लूड करना ही पर्यावरण का उद्देश्य हो गया है तभी जाकर हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कर पाएंगे सतत पर्यावरण प्रबंधन तभी हो पाएगा जब हम इसके बारे में कुछ मूलभूत अवधारणाओं से परिचित होंगे आइए इसके अलावा प्रकृति के नियम के अलावा ये तो इसके नियम हो गए दूसरी चीज है कि प्रकृति की प्रकृति जैसे एक बच्चे की प्रकृति होती है एक बुजुर्ग व्यक्ति का स्वभाव होता है जैसे एक युवा अवस्था में व्यक्तियों का स्वभाव होता है वैसे ही नेचर का भी अपना कुछ स्वभाव होता है प्रकृति का भी अपना कुछ स्वभाव होता है या नेचर होता है इसको कहते हैं नेचर ऑफ द नेचर उसको देखते हैं हम लोग क्या है ये प्रकृति की प्रकृति नेचर्स नेचर ऑफ द दे नेचर देखिए पहला प्रकृति हितैषी है दूसरा प्रकृति निर्मम है तीसरा प्रकृति चंचल है और चौथा अनप्रिडिक्टेबल है यह चार बातें होती हैं जो नेचर का नेचर है हितैषी है हितैषी का मतलब होता है कि प्रकृति अगर एक माँ की तरह व्यवहार करती है तो यह अपने बच्चों के बारे में हमेशा हित सोचती है मनुष्य जातियां हों या दूसरे जीव जंतु हों या दूसरे जानवर हों ये सभी प्रकृति के अगर बच्चे हैं अपने आप को हम लोग अगर प्रकृति का प्रकृति की संतान मान लें प्रकृति के बच्चे मान लें तो प्रकृति हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचती है जब वायुमंडल में हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल की जब रचना हुई थी या वाय। वाय। वायुमंडल की जब उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हुआ करती थी अगर कार्बन डाइऑक्साइड उतनी अधिक हुआ करती थी और वैसे ही बनी रहती ऑक्सीजन यहां पर नहीं होता तो संभवतः हम यह बात करने के लिए यहां नहीं होते तो उन सभी कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना और वायुमंडल में उनके स्थान पर ऑक्सीजन को जोड़ देना यह किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते से नहीं हुआ है बल्कि प्रकृति ने ऐसा खुद उचित समझा होगा इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन होते होते एक समय ऐसा आया जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की दो प्रमुख गैसों के रूप में विद्यमान हो गई और ऑक्सीजन के आ जाने के बाद ही बहुत सारे जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ उत्पत्ति हुई उनका विकास हुआ और वो आज तक पृथ्वी को तहस नहस करने में लगे हुए तो प्रकृति हितैषी है क्योंकि इसके लिए उसने कमीशन नहीं लिया है घूस नहीं लिया है बल्कि इसने अपने ही हिसाब से ऐसी व्यवस्था दी ऐसे जल की व्यवस्था दी ऐसे हवाओं की व्यवस्था दी ऐसे प्रकाश की व्यवस्था दी ऐसी जमीन की व्यवस्था दी जिस पर एक जीवन ठीक ठाक रूप से फल फूल सके दूसरा है इसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है प्रकृति निर्मम है प्रकृति निर्म है प्रकृति निर्म है जब कहा जाता है तो इसके उल्टा स्टेटमेंट निकल कर आता है उल्टा सेंस निकल कर आता है और सच यह भी है चाहे कितना भी हितैषी हो लेकिन जब कोई भूकंप आता है ना या जब कोई ज्वालामुखी की क्रिया होती है ना तो मरने वाले लोगों में प्रकृति यह नहीं देखती है कि यह दो साल का बच्चा मर रहा है या अस्सी साल का बुजुर्ग मर रहा है जीवन भर पूजा पाठ करने वाला धार्मिक व्यक्ति तथा कथित रूप से धार्मिक व्यक्ति मर रहा है या जीवन भर दूसरों की गर्दन काटने वाला तथा कथित रूप से पापी व्यक्ति मर रहा है प्रकृति सबको एक नजर से देखती है और निष्ठुरता इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी जान लेने में बहुत बड़े बड़े मर्डरर के भी हाथ कांप जाए एक बार उनकी भी जान प्रकृति बहुत आसानी से ले लेती है अगर निष्ठुरता पर आ जाए बर्बादी पर आ जाए बदला लेने पर आ जाए तो केदारनाथ की बाढ़ हो या फिर कहीं किसी क्षेत्र में आए हुए भूकंप की बात हो भूज के भूकंप की चर्चा करें या सुनामी की चर्चा करें तो इसमें मरने वाले लोगों में बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर और बुजुर्ग व्यक्तियों तक शामिल हुआ करते थे तो प्रकृति इस हद तक निर्ममता अपनी दिखा सकती है तीसरा है प्रकृति चंचल है चंचल का मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट लगभग लगभग एक ही हैं। चंचल का मतलब कि इसका जो स्वभाव है किसी बच्चे की तरह है अनप्रेडिक्टेबल सा है कब कौन सी हरकत होने वाली है प्रकृति में यह हम नहीं जानते हालांकि तकनीकी विकास के कारण बहुत सारी चीजों के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है लेकिन अभी भी कई प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके बारे में ठीक से प्रडिक्शन करना लगभग असंभव बना हुआ है अभी तक भूकंप को प्रिडिक्ट करने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ठीक से नहीं है अभी तक हमारे पास ठीक से टेक्नोलॉजी यह भी प्रिडिक्ट करने की नहीं है कि भारत में होने वाली वर्षा कितनी होगी कब होगी कब तक होगी कहाँ होगी यानी कि मानसून जो एक मौसम का छोटा सा हिस्सा है उसके प्रडिक्शन या उसके पूर्वानुमान के बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी के स्रोत नहीं आ पाते हैं या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती अनप्रडिक्टेबल है।, है अभी मान लीजिए कि अभी बहुत अच्छा मौसम है अच्छा मौसम का मतलब कि बहुत धूप निकली हुई है सब कुछ ठीक ठाक है हो सकता है कि एक घंटे बाद ऐसा उथल पुथल मच जाए कि बारिश और ओले भी गिरने लगे कई बार ऐसा हो जाता है हाँ अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस के कारण उन घटनाओं को जान पाना हमारे लिए कुछ आसान हो गया कुछ आसान हो गया अंडरलाइन कर लीजिएगा सारी चीजों के बारे में प्रिडिक्ट करना आज भी एक समस्या या एक दुरूह कार्य बना हुआ है इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रकृति के प्रकृति के बारे में यह है कि प्रकृति स्थाई है और दूसरी जो बात है प्रकृति क्षणभंगुर है देखिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब कुछ कुछ प्रश्न इस रूप में भी पूछे जा रहे हैं कि आ, किसी एक शब्द के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके बारे में भारतीय विचार क्या है और पश्चिमी विचार क्या है यानी कि हमारी अपनी थॉट क्या है और हमने जो थॉट एडॉप्ट किया है या बाहर से लिया है उधार लिया है वह क्या है प्रकृति स्थायी है स्थायी का मतलब हो जाता है कि हम प्रकृति को ग्रांटेड लेते हैं चाहे कुछ भी कर ले हम प्रकृति के साथ प्रकृति हमारे लिए ही है और प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य है हमारी सेवा करना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या सर्व करना ऐसा हम मान लेते हैं जब यह विचार आ जाता है तो वह दर्शन होता है कि प्रकृति स्थाई है नेचर इज परमानेंट और जैसे ही हमारे मन में यह विचार आता है कि नेचर इज परमानेंट या प्रकृति स्थायी है हम उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए तीन शब्द यूज किया जाता है कि पहले और फिर अब यूज करते हैं यानी कि पहले हमने उसका फायदा उठाया फिर उसका बेतरतीब तरीके से यूज किया और फिर उसको कहीं मारपीट कर फेंक दिया जैसे उदाहरण के लिए कि प्रकृति का स्थायी होना ही शायद दिमाग में रहा होगा जब हमने मिट्टी की उत्पादकता का यूज किया मिट्टी की उत्पादकता का जब हमने यूज किया हमने कृषि और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया और अच्छी खासी मात्रा में हमने उत्पादन किया जब उत्पादन घटने लगा तो हमने उनमें खाद डालना शुरू कर दिया यूरिया डालना शुरू कर दिया एक तरह का जहर डालना शुरू कर दिया उसकी उत्पादकता को बढ़ाया लेकिन अपनी चरम अवस्था में पहुंचने के बाद मिट्टी की वह उत्पादक क्षमता जब खराब हो गई खत्म हो गई समाप्त हो गई तो हमने उस धरती को बंजर बनाकर छोड़ दिया यानी कि पहले यूज किया फिर मिस यूज किया और फिर अब यूज किया यह कब जब प्रकृति स्थायी है क्या मनोभाव हमारे मन में आ जाता है सिक्स्थ है कि प्रकृति क्षण भंगुर है क्षण भंगुर का मतलब होता है कि बहुत नाजुक है ऐसे देखिए यह भारतीय दर्शन का हिस्सा हो जाता है कि जब क्षणभंगुर है तो हमें बहुत नजाकत से इसका प्रयोग करना है बहुत सोच समझ कर इसका प्रयोग करना है क्या आपको यहां पर सतत विकास की कुछ बीज या झलक दिखाई नहीं दे रही है जब हम बात करते हैं कि बहुत नजाकत से प्रयोग करना है विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना है सोच समझ कर यूज करना है यही तो सतत विकास की अवधारणा होती है और यह जो दर्शन है यह भारतीय दर्शन होता है पर्यावरण के दृष्टि से भारतीय दर्शन का मतलब इसका कोई ऐसा विभाग हो सकता है कि न हो जहां पर स्पेशली इसको पढ़ा पढ़ाया जाता हो लेकिन भारतीय सोच इसी सिद्धांत से प्रतिबिंबित होती है दिखाई देती है तो जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हमने प्रकृति के साथ जैसे ही छेड़छाड़ की या ज्यादाती की या कुछ उल्टा पुल्टा कुछ करने की कोशिश की तो प्रकृति तुरंत बर्बाद हो जाएगी और बर्बादी होने के पश्चात उसका दंड हमें भुगतना पड़ सकता है तो ऐसे में हम प्रकृति को बहुत सहेज कर बहुत ही संभाल कर प्रयोग करते हैं जैसे हमारे यहां खेती के लिए आरंभिक समय में हम कोई केमिकल खाद या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे गोबर का प्रयोग किया जाता था जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता था जिससे मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था हमारे यहां वृक्षों को बेटा माना गया है पुत्र माना गया है वृक्षों को काटना पुत्रों को काटने के बराबर होता था तो यह क्या है कि उन वृक्षों को उन जंगलातों को उन नदियों को सब चीजों को संभाल कर रखने की एक प्रवृत्ति थी या रखने का एक रखने की एक धारणा थी रखना ही उसका उद्देश्य था कि सारी चीजों को प्रकृति को ठीक से संभाल कर रखना होता है अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जब आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट के लिए या मान लीजिए कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में आपसे आप ही के सामने कोई फाइल आती है और पूछा जाता है क्या आप इसके लिए कुछ नियम बनाइए पर्यावरण के लिए कौन कौन से नियम हो सकते हैं आपके एरिया के जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है तो इन सभी चार पांच छह सात मूल बातों को ध्यान में रखकर ही आप नियम बनाते हैं तो यह है प्रकृति और यह है प्रकृति से हमारा परिचय अब आते हैं हम लोग पर्यावरण के ऊपर पर्यावरण इन्वायरमेंट इस पर्यावरण के पहलू में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण क्या है पर्यावरण क्या है पर्यावरण के घटक या इसके कंपोनेंट क्या क्या है कंपोनेंट्स क्या क्या है यह कितने प्रकार का हो सकता है इसका महत्व तो क्या है पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या है और फिर हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय अनुकूलन के बारे में टाइप्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल एडोप्टेशन इन सारी बातों के बारे में इन सारी चीजों के बारे में पर्यावरण के संदर्भ में हम लोगों को चर्चा करनी है सबसे पहले कि पर्यावरण क्या है तो शायद ये पांचवी छठवीं क्लास से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि पर्यावरण जो हमें चारों तरफ से घेरता है तो पांचवी छठवीं क्लास में जो आपने पढ़ा है वही बातें आज भी सच है और पर्यावरण इसी को कहा जाता है पर्यावरण हर एक वस्तु है हर एक वह जीव है हर वह चीज है जो आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है जो आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है जैसे अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और आप इस समय घिरे हुए हैं अपनी किताबों से अपनी कॉपी से अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से कलम से बेंच से कुर्सी से जिन सब चीजों से आप घिरे हो सकते हैं यही आपका इस समय पर्यावरण होता है और इसके अलावा पर्यावरण क्या होता है इसके अलावा पर्यावरण होता है हवाएं पानी वातावरण पेड़ पौधे जीव जंतु आपके पड़ोसी आपके पड़ोसी आपका क्लासमेट ये सारी चीजें जिसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है दे आर द पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट यही आपके पर्यावरण के हिस्से हैं पर्यावरण की अगर बात करें तो ये जिस शब्द से बना है इन्वायर एक फ्रेंच वर्ड है फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है टू सराउंड या घेरना इन्वायर से बना है इन्वायरमेंट इन्वायरमर का मतलब होता है घेरना तो इन्वायरमेंट का मतलब घेरने वाला जो हमारे सराउंडिंग में बिखरा हुआ है जिससे हम दिन रात 24 घंटे तीन दिन घिरे रहते हैं वही हमारा पर्यावरण कहलाता है इसी पर्यावरण में जब कोई परिवर्तन आता है तो उसके प्रति हमें अनुकूलन करना होता है अगर हम यह अनुकूलन कर लेते हैं तब हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहती है अगर हम यह अनुकूलन नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है कैसे हो जाती है क्या हो जाती है उस पर्यावरणीय अनुकूलन के समय हम लोग बात करेंगे देखिए तो घेरना अब जब घेरा हुआ है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब बाहर का मौसम ऐसा हो कि टेम्परेचर लगभग लगभग 24-25 डिग्री के आसपास है तब आपके शरीर की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी या वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़कर 48 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है आपके कार्य करने की दक्षता घट जाती है यह पर्यावरण का आपके ऊपर प्रभाव है अब आप इन दोनों चीजों से कैसे निपटते हैं यह आपके अनुकूलन का हिस्सा हो जाता है क्या आप प्राकृतिक रूप से निपट पाते हैं या फिर निपटने के लिए आपको किसी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ता है यह बाद की बातें यह हम लोग समझेंगे क्या दूसरे जीव भी इस तरह के परिवर्तन करते हैं क्या दूसरे जीव भी मशीनों का प्रयोग करते हैं यह सब भी पर्यावरणीय अनुकूलन का हिस्सा चला आता है तो एनवायरम शब्द से बना है एनवायरमेंट जिसका मतलब होता है घेरना अगर हम लोग इसके घटक के बारे में बात करें कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो बातें निकल के आती हैं एक तो है जैविक बायोटिक एक है अजैविक अबायोटिक और, और एक है एनर्जी या ऊर्जा यानी कि घटक का एक हिस्सा है जीव जंतुओं से संबंधित जिसमें जीवन हो जो सजीव कहे जाते हैं दूसरा घटक है जिसमें जीवन न हो जो निर्जीव कहे जाते हैं और तीसरा जिनसे इन सजीवों को चलने के लिए निर्जीवों में भी काम करने की शक्ति प्राप्त होती है जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं या ऊर्जा के रूप में जिसको जाना जाता है तो ये जैविक घटक क्या होते हैं अजैविक घटक क्या होते हैं और पर्यावरण पर इन घटकों का प्रभाव क्या पड़ता है किस रूप में पड़ता है हम लोग इसकी एक एक करके अगर चर्चा करें तो यह तथ्य हमारे सामने निकल कर सामने आता है कि जैविक घटक में जैसे कि मनुष्य है जैसे कि पेड़ पौधे हैं जैसे कि जीव जंतु हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं क्या मनुष्य का प्रभाव उन बैक्टीरियाज पर पड़ता है उन बैक्टीरियाज का प्रभाव क्या जीव जंतुओं पर पड़ता है क्या उस जीव जंतुओं का प्रभाव मनुष्य पर वापस पड़ता है यह जैविक प्रभाव कहलाते हैं या जैविक घटक के प्रभाव कहलाते हैं दूसरा है अजैविक अजैविक का मतलब हो गया कि जैसे कि नदी झील झरने पानी के स्रोत के रूप में है हमारे पास जैसे कि तापमान है जैसे कि हमारे पास हवाएं हैं यह सब हो जाते हैं अजैविक घटक इनका क्या प्रभाव पड़ता है जीवों के ऊपर सजीवों के ऊपर दूसरे कीड़े मकोड़ों के ऊपर या मनुष्यों के ऊपर और तीसरा ऊर्जा का जो प्रवाह है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है प्रकाश होता है उसका क्या प्रभाव है और कितना प्रभाव होता है कैसे होता है यही सब यहाँ पर चर्चा के विषय हो जाते हैं इन जैविक अजैविक और ऊर्जा घटकों की ज्यादा विस्तृत चर्चा हम लोग तब करेंगे जब पारितंत्र के बारे में बात की जाएगी जब इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे वहाँ पर जैविक घटकों को भी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक के रूप में विभाजित करके देखा जाएगा उन सभी घटकों के ऊपर अजैविक पदार्थों का या अजैविक घटकों का और ऊर्जा घटकों का क्या क्या प्रभाव होता है इनको थोड़ा सा विस्तार से विस्तृत रूप से धीरे धीरे ठहर कर उसको पढ़ा समझा जाएगा फिलहाल यहाँ पर इसके कंपोनेंट वही होते हैं जैविक अजैविक और ऊर्जा इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण में तो दूसरा पहलू जो निकल के आता है वह पहलू है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रकार पर्यावरण के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो ये एक होता है भौतिक पर्यावरण एक होता है जैविक पर्यावरण और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण हालांकि आजकल एक संकल्पना और भी है व्यक्तिगत पर्यावरण की लेकिन वह अलग संकल्पना हो जाती है हम लोग इन तीनों की बात करेंगे बहुत ही मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट के तहत आ जाती है आपकी स्थलमंडल स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फेयर वायुमंडल एटमोस्फेयर और जलमंडल हाइड्रोस्फेयर जैविक पर्यावरण बायोटिक पर्यावरण में अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाते हैं एक वनस्पति समूह और दूसरे आ जाते हैं जंतु समूह इन दोनों का जो निरूपण किया जाता है जिस मंडल के तहत इनको रखा जाता है उस मंडल को नाम दिया जाता है बायोस्फेयर मंडल और सांस्कृतिक पर्यावरण का मतलब होता है कल्चरल इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं ह्यूमन या मानवीय पर्यावरण या आर्थिक भी हो सकता है या सामाजिक भी होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट ह्यूमन एन्वायरमेंट या कल्चरल एनवायरमेंट यही होता है देखिए होता क्या है स्थलमंडल वायुमंडल और हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल ये तीनों भूगोल के एक प्रमुख हिस्से हो जाते हैं लिथोस्फेयर में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें पृथ्वी की सारी स्थलाकृतियां हैं पर्वत पठार मैदान हैं, झील झरनों को भी उसमें शामिल किया जाता है कि उनका निर्माण कैसे हुआ यह स्थलमंडल के हिस्से आ जाते हैं जितने भी लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं अब वो लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वह भी पर्यावरण के रूप में वहां रहने वाले जीव जंतुओं को निश्चित रूप से प्रभावित करते ही दूसरा है, है वायुमंडल किसी भी जीव के लिए श्वसन की क्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन सबसे आमूल चुल क्रिया होती है सबसे मूलभूत क्रिया होती है वायुमंडल में उपस्थित वायु से ही यह क्रिया संपादित होती है संभव हो पाती है इसलिए अब वायुमंडल की संरचना कैसी है वायुमंडल के संगठन कैसे हैं इसकी हम लोग बात करें तो हमें यह पता है कि वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं जैसे कि क्षोभ मंडल होती है समताप मंडल होती है या फिर मध्यमंडल और तापमंडल में वायुमंडल को विभाजित किया जाता है इसके अलावा वायुमंडल का विभाजन करते समय आयन मंडल रसायन मंडल उसके बाद चुंबक मंडल बहिर्मंडल इन सब मंडल का भी जिक्र किया जाता है वायुमंडल तो के ये अलग अलग हिस्से हो जाते हैं जिनका अलग अलग रूप से प्रभाव पड़ता है जीवों के ऊपर उदाहरण के लिए सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को रोकने में अगर चुंबक मंडल अगर आयन मंडल और अगर समताप मंडल सक्षम नहीं होते तो वे खतरनाक किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती और खतरनाक किरणें जब पृथ्वी तक पहुंच जाती तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का कहीं नामो निशान नहीं होता इसी को एक्सटिंक्शन कहा जाएगा जब सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर जीवों का विलोपन हो जाए इसको कहते हैं मास एक्सटिंक्शन तो मास एक्सटिंक्शन से अगर बचाने का कोई काम कर रहा है तो वह वा वायुमंडल की कुछ परतों को श्रेय इसका जाना चाहिए वायुमंडल इस रूप में महत्वपूर्ण है जलमंडल जलमंडल का महत्व तो भी अपने आप में बृहद है व्यापक है क्योंकि बहुत आसानी से और बहुत फ्रीक्वेंटली लगभग लगभग हर किसी के मुंह से आपने ये सुना होगा कि हम भोजन के बिना कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं पानी के बिना कुछ घंटों जिंदा रह सकते हैं और हवा के बिना कुछ मिनट ज़िंदा रह सकते हैं यानी कि अगर हवा सबसे महत्वपूर्ण है तो हवा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जल हो जाती है जल का महत्व बहुत ज़्यादा है यानी कि भोजन से भी ज़्यादा जल को महत्व दिया गया है जलमंडल के अंदर उन तमाम चीजों को शामिल किया जाता है जिसमें किसी न किसी रूप से जल का संचयन होता है जलमंडल का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है जहां पर जल का सबसे अधिक संचयन होता है वह महासागर के रूप में जाने जाते हैं तो महासागर सागर झील ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ या पर्वतों के शिखर पर जमी हुई बर्फ ये सभी जलमंडल के हिस्से कहलाते हैं सभी के सभी जलमंडल के हिस्से होते हैं इनके अलावा जल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी विद्यमान रहता है तो जलमंडल हो जाते हैं ये तीनों मंडल मिलकर जिस पर्यावरण का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है भौतिक पर्यावरण इसे प्राकृतिक पर्यावरण भी कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं रहा है इनके निर्माण में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं रहा है इनका निर्माण पूर्णतः प्राकृतिक क्रियाकलापों से ही हुआ है जैसे हिमालय पहाड़ बना तो इसमें न किसी अकबर का योगदान था और न ही किसी बाबर का योगदान था किसी का योगदान नहीं था हिमालय क्यों बना क्योंकि प्रकृति में प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई दबाव पड़ा अवसाद औसादों का वलन हुआ अवसाद ऊपर की ओर उठे और हिमालय के रूप में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया प्राकृतिक रूप से बने हैं जब हिमालय बन गया वहां पर पड़ने वाली रोशनी वहां पर प्राप्त होने वाली उष्मा यह भी प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित की गई सूर्य से प्राप्त सूर्यातप के अनुसार वर्षा का वितरण वहां निर्धारित हुआ और वर्षा और तापमान के आधार पर वहां नेचुरल वेजिटेशन के रूप में वनस्पतियों का विकास हुआ इन पूरी प्रक्रिया में मनुष्य का कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं होता है इसी को कहा जाता है भौतिक पर्यावरण दूसरा आता है जैविक पर्यावरण जैविक पर्यावरण के तहत जंतुओं को और वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जब पर्यावरण का अध्ययन जंतुओं और वनस्पतियों के संदर्भ में होने लगता है तब हम लोग बायोम और पारितंत्र की बात करने लगते हैं तो बायोम एक अलग से संकल्पना है पारितंत्र एक अलग से संकल्पना है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन उसके बाद जो है सांस्कृतिक पर्यावरण यह पर्यावरण भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर भौतिक पर्यावरण में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है तो सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य का ही पूरा हस्तक्षेप होता है जैसे जंगलों का उगना या जंगलों का विकास प्रकृतिक या प्रकृति के अनुसार हुआ है प्राकृतिक रूप से हुआ है या प्रकृति के अनुरूप हुआ है लेकिन उन जंगलों को जब काट कर खेतों में तब्दील कर दिया जाता है राइस फील्ड बना दिए जाते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड बना दिए जाते हैं तो वह सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा हो जाता है जब मनुष्य आया होगा पृथ्वी पर तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी जरूरतों के अनुसार मनुष्य ने पर्यावरण में कुछ बदलाव किए होंगे और उसके बदलाव से उसके परिवर्तन से जो नया रूप हमारे सामने आया उसी को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण के दो आयाम हैं एक आर्थिक पर्यावरण और दूसरा सामाजिक पर्यावरण जब मनुष्य प्रकृति के साथ आर्थिक क्रियाकलापों के तहत जुड़ जाता है यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर अपना संबंध बनाना शुरू कर देता है उस पर्यावरण को कहा जाता है आर्थिक पर्यावरण यह प्रकृति से अलग भी हो सकता है जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी समुदाय में रहता है कि जहां पर वह एक किलो चावल देकर दस अमरूद प्राप्त कर लेता है या अपने घर का दूध देकर किसी के घर का चावल प्राप्त कर लेता है आर्थिक क्रियाकलाप वहां हो रहा है या आर्थिक पर्यावरण हो जाता है जैसे ऑफिस का एनवायरमेंट होता है आपने नाम सुना हो कि वहां का एनवायरमेंट ठीक नहीं है या वहां का एनवायरमेंट बहुत जबरदस्त है शानदार है ऐसा क्यों होता है तो वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसा है उनका आपस में सिस्टम कैसा है यह चीजें निर्धारित होती हैं सामाजिक पर्यावरण के तहत आर्थिक और सामाजिक दोनों पर्यावरण एक ही पर्यावरण के हिस्से हैं जिसका नाम होता है मानवीय अथवा कल्चरल इन्वायरमेंट जिसमें मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान होता है और मनुष्य का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है यह है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के प्रकार के बाद अब शायद जरूरत शेष नहीं रह जाती है कि हम लोग बात करें कि पर्यावरण का महत्व क्या है क्योंकि पर्यावरण का महत्व क्या है यह बहुत साधारण सी बात है पर्यावरण के महत्व को समझ समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है पर्यावरण के आधार पर ही हमारा जीवन संभव है पर्यावरण ही हमें जीवन का आधार प्रदान करता है पर्यावरण से हमें भोजन की प्राप्ति होती है पर्यावरण से हमें आवास की प्राप्ति होती है पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें कपड़ों की प्राप्ति होती है पर्यावरण से ही हमें औषधियों की प्राप्ति होती है पर्यावरण अगर नहीं होता तो हम सांस नहीं ले पाते पानी नहीं पी पाते जमीन पर रह नहीं पाते तो पर्यावरण हमारे जीवन और हमारे का मतलब हुआ यहां पर सभी जीवों के जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है तो पर्यावरण का वही महत्व है जो हमारे लिए हमारे जीवन का महत्व हो सकता है कैसे महत्व होता है पारितंत्र में फिर से इन सब बातों की रिपीटेशन होती है दोबारा ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं तो वहाँ पर कुछ जीव जंतुओं का उदाहरण लेकर उद्धरण लेकर या उनका रेफरेंस लेकर जब हम लोग बात करेंगे तो यह कुछ और स्पष्टता आ पाएगी तो पर्यावरण का महत्व बहुत व्यापक होता है यह हमारे कल्पना से भी परे हो जाता है हम जितनी गंदगी निकालते हैं अगर पर्यावरण ठीक से काम नहीं करे तो शायद यह गंदगी का ही पर्यावरण पूरी जगह पर निर्मित हो जाएगा तो जितना हम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन प्रदूषणों के विघटन में भी उन प्रदूषणों को की साफ सफाई में भी पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है अगर वो गंदगी या प्रदूषण वैसे ही यथावत बना रहता तो हमारा यहां पर जीना भी दुभर हो जाता अगर पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए तो पर्यावरण के साथ हमारे संबंध भी रहे होंगे और जब सब कुछ प्रकृति में बदलाव के आधार पर ही कार्य करता है तो पर्यावरण के साथ हमारे संबंध भी परिवर्तित होते रहे होंगे यह भी फिक्स नहीं रहे होंगे यानी कि हमारा और पर्यावरण का जो संबंध है यह परिवर्तनशील लगातार बना हुआ रहता है तो मानव और पर्यावरण को के संबंधों को अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला संबंध होता है उसमें मनुष्य एक कारक के रूप में उपस्थित रहता है फिर उसके बाद यह रूपांतर करता बनता है फिर परिवर्तन करता और अंत में अंत में विध्वंसकर्ता बन जाता है रूपांतरकर्ता का मतलब होता है मोडिफायर परिवर्तनकर्ता का मतलब होता है चेंजर और विध्वंसकर्ता का मतलब अंग्रेजी में हो जाता है डिस्ट्रॉयर देखिए क्या होता है जब ऐसे एक कहानी के रूप में हम लोग समझे तो सबसे पहले मनुष्य जब पर्यावरण में आया होगा जब सबसे पहला मनुष्य पर्यावरण में आया होगा तो वह तो पर्यावरण को देखकर ही अचंभित हो गया होगा स्वाभाविक सी बात है और जिस तरीके से दूसरे जीव जंतु यहां पर अपना जीवन गुजार रहे होंगे उस समय उसी तरीके से मनुष्य ने भी अपने जीवन को गुजारने का फैसला किया होगा यानी कि बहुत कम संसाधनों पर और उन्हीं जगहों पर अपने आप को रखने की कोशिश की होगी मनुष्य ने जहाँ पर कोई और न रहता हो यानी कि किसी के घर में जाने की कोशिश नहीं किया हो बंदरों के घर में घुसने की कोशिश नहीं की हो अपना घर अलग बनाया हो अलग रखा हो यानी कि प्रकृति के और और सभी कारकों के तरह और सभी फैक्टर्स की तरह ही मनुष्य अपने आप को भी एक फैक्टर के रूप में रखा होगा तो जब एक फैक्टर के रूप में रखेंगे यानी कि हम इस रूप में रखेंगे हम भी इसी का एक हिस्सा हैं, तो हम उसके साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते और जब छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो उसका रूप यथावत बना रहता है अपनी जैसा अपने जैसा बना रहता है उसमें कोई भी चेंज या परिवर्तन नहीं होता है तो यह फैक्टर कब है जब मनुष्य का व्यवहार आदिम मनुष्य की तरह है आदिम मानव जिसको आदिवासी भी कहा जा सकता है ये लोग प्रकृति के बहुत ही करीब होते हैं आज भी जो प्रजातियां जो जनजातियां बची हुई हैं वो इनको देखिएगा तो ये प्रकृति के ऊपर इतना निर्भर हैं, इतना निर्भर हैं, मानो प्रकृति का ही एक हिस्सा हो। ये कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती हैं, जिससे वहां के पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान होता रूपांतर करता जब मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया होगा आदिम कृषि अब जब आदिम मानव था तो उसने भोजन पानी के लिए भी जंगल से मिलने वाले फल फूलों को ही आधार बनाया होगा फल खाया मान लो कि फल खाया और फल खा, फल खाने के बाद गुठली उसको अच्छी नहीं लगी या उसके बीज अच्छे नहीं लगे और उसने बाहर फेंक दिया होगा फेंकने के बाद देखता है दस दिन बाद बीस दिन बाद कि वहां से एक अंकुरण हो रहा है दोबारा फेंका होगा तिबारा फेंका होगा चार बार फेंका होगा और ऐसे जब फेंकने के क्रम में उसने देखा कि बार बार वहां से अंकुरण हो रहा है पौधा निकला होगा निकल रहा है तब मनुष्य ने खेती की बात सोची होगी तब मनुष्य ने कृषि का कार्य प्रारंभ किया होगा और कृषि का कार्य जब मनुष्य प्रारंभ करेगा तो बहुत ही व्यवस्थित कृषि का कार्य प्रारंभ नहीं करेगा बहुत ही अव्यवस्थित रूप से एग्रीकल्चर शुरू होगा तो उसमें बहुत अधिक फर्क पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा रूपांतर करता स्वरूप होता है मनुष्य का धीरे धीरे मनुष्य पशुपालक बनता चला गया पशुओं को पालने लगा पशुओं के महत्व को समझने लगा जब पशुओं को पालने लगा पशुओं के महत्व को समझने लगा और एक समय ऐसा भी रहा है शायद हो सकता है किसी किसी क्षेत्र में अभी भी हो कि वहां के लोगों का वर्चस्व इस आधार पर तय किया जाता है कि उनके पास कितने पशुधन हैं या कितनी मवेशी उनके पास रहती है अभी भी कहा जाता है अरे वो बीस भैंसों के मालिक हैं वो मजाक थोड़े है मामूली आदमी थोड़े हैं तो इस रूप में पशुपालक समाज का विकास जब हुआ होगा पशुओं को रखने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए मनुष्य ने पर्यावरण में एक निश्चित परिवर्तन किया और निश्चित जब परिवर्तन किया तो मनुष्य का स्वरूप हो जाता है परिवर्तन करता का अब उसने पर्यावरण में दरअसल हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया पशु रखेगा तो पशु रखने के बाद पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने लिए खेती कर रहा है तो खेती के लिए खेत की जरूरत पड़ेगी जंगलों को काटना उसने शुरू कर दिया होगा यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में अब चेंज आने शुरू हो गए और चेंज इस हद तक थे कि जहां से वह दिखाई देते हैं एक तो होता है मामूली चेंज थोड़ा सा बदल देना और एक होता है पूरी तरह से बदल देना तो अब जो दृश्य परिवर्तन थे वो होने लगे और ऐसे मनुष्य को परिवर्तन करता कहा गया जो पशुपालक समाज की विशेषता थी फिर विध्वंस करता डिस्ट्रॉयर के रूप में जब मनुष्य आता है तो यह युग हो जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें दी हैं सोसाइटी को बहुत खोज दिए हैं सोसाइटी को लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है साइंस टेक्नोलॉजी से वह मिला है कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास मनुष्य का स्वभाव था कि शेर से हमेशा से डरता रहा होगा शेर हिंसक प्राणी है हिंसक जानवर है और शेर के अंदर हिंसा कुट कुट कर भरी हुई है तो मनुष्य इस बात से खौफ खाता रहा होगा डरता होगा वह चाहता होगा कि किसी भी मामले में हमारा आमना सामना शेर से न हो किसी भी मामले में हम किसी हिंसक जानवर से बचे रहें मनुष्य का पहले ऐसा स्वभाव रहा होगा लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो मनुष्य के अंदर बदले की भावना आ जाती है और बदले की भावना अब क्या आ गई पहले वह सोचता था कि बाघ या शेर हमसे दूर ही रहें या बाघ या शेर से हम दूर रहें अब कहता है कि तुम्हारे घर में घुस के हम घर बनाएंगे जो चीज पहले संभव नहीं थी तकनीकों के माध्यम से वो संभव हो गई वर्षा वनों को काटना उतनी कठोर लकड़ियों को काट लेना घने घने जंगलों को समाप्त करके उस पर कृषि कार्य करना खेती लायक जमीनों को तोड़ मरोड़ कर उस पर घर बना लेना उद्योगों का अंधाधुंध विकास कर लेना बड़ी बड़ी नदियों पर तो छोड़ दीजिए समुद्र के ऊपर पुल बना लेना यह बिना साइंस टेक्नोलॉजी के संभव नहीं था और जब यह हथियार मनुष्य के हाथ में आ गया तो अब पर्यावरण का तहस नहस होना शुरू हो गया पर्यावरण की बर्बादी शुरू हो गई और जब पर, पर्यावरण की बर्बादी शुरू हो जाती है तो यहीं से शुरू होती है पर्यावरण की कहानी पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर्यावरण के ऊपर समझौते पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन तो टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस जैसे ही लाइफ में बढ़ गया सोसाइटी में बढ़ गया इन्वायरमेंट में बढ़ गया उन लोगों का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया उन्नयन होना शुरू हो गया क्षरण होना शुरू हो गया अगर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होती तो शायद गाड़ियाँ नहीं होती शायद प्रदूषण नहीं होते शायद उद्योग नहीं होते शायद अगर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं करता तो इतने रेडिएशन वाली दवाइयाँ हमारे पास नहीं होती उन दवाइयों का डिस्पोजल नहीं किया जाता और जब दवाइयों का डिस्थ, को डिस्पोज नहीं किया जाता तो उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण भी शायद नहीं होते तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है और उनके साथ ही दिया है हमें बहुत सारी पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं और इसीलिए साइंस युग को कहा जाता है मनुष्य का विध्वंस करता हो जाना मनुष्य पर्यावरण के लिए विध्वंस करता हो चुका है पूरी तरह से तो यह मानव और पर्यावरण का संबंध इन समस्याओं को अगर इन सभी बातों को हम लोग कंक्लूड करें तो कंक्लूड करने से हमें दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं इन्वायरमेंट में एक बायोडायवर्सिटी, दूसरा हैबिटेट और तीसरा एनर्जी ये तीन चीजें पर्यावरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती हैं तीन चीजों के लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण हो जाता है बायोडायवर्सिटी यानी कि जीवन की विविधता जैव विविधता जिसको हिंदी में कहा जाता है हैबिटेट का मतलब जीवों का आवास और एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता ही है तो ये तीन चीजें पर्यावरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इन्हीं तीनों चीजों की स्टडी अध्ययन इन्हीं ती, तीनों चीजों का संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है अगर बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण न हो अगर जीवों के आवासों का संरक्षण न हो और अगर हम ऊर्जा को नहीं बचा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं तो फिर मानव जाति का अस्तित्व तो भी संकट में आने से कोई नहीं रोक सकता है इस संदर्भ में यह पूरा का पूरा पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद पर्यावरण समस्याओं से रहित नहीं है बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण को आज निगलने में समाप्त करने में लगी हुई हैं उन समस्याओं का अध्ययन हमारे सिलेबस के लिए भी महत्वपूर्ण है सिविल सर्विसेज के लिए भी महत्वपूर्ण है और आम दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर उन समस्याओं से रूबरू होने की हम लोग कोशिश करें इनको कहा जाता है पर्यावरणीय समस्याएं एक दो समस्याएं हैं जैसे कि पर्यावरणीय क्षरण क्षरण या डिग्रेडेशन और दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण पोल्यूशन, पोल्यूशन और छरण अब प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तो प्रदूषण वायु के रूप में हो सकती है वायु प्रदूषण हो सकता है जल प्रदूषण हो सकता है ध्वनि प्रदूषण हो सकता है प्रकाश प्रदूषण हो सकता है रेडियोधर्मी प्रदूषण एक नया प्रदूषण आया है यह हो सकता है रेडियो एक्टिव जमीन तो छोड़िए अब स्पेस पोल्यूशन भी होता है अंतरिक्ष प्रदूषण भी हो जाता है यानी कि इन सभी चीजों के गुणवत्ता में अंतर आ गया है और यह अंतर सकारात्मक अंतर नहीं है बल्कि इनकी गुणवत्ता में गिरावट आ गई है और जब गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है तो इसी को कहा जाता है प्रदूषण वह गुणवत्ता में गिरावट हवाओं में आजकल हर जगह आप देखते होंगे कि हवाओं में सांस लेने से यहां से गले से लेकर पूरा पूरा नीचे बॉडी के अंदर का हिस्सा जलता रहता है यह क्यों यह बर्निंग सेंसेशन क्यों हो रहा है हवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आने के कारण हो रहा है अखबारों में आता है कि वायु की गुणवत्ता सांस लेने के लायक नहीं है अति खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है इसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर है मनुष्य के ऊपर है मनुष्यों के अलावा कोई दूसरा परिवर्तन शायद हुआ भी नहीं है जिससे हवा प्रदूषित हो जाए जल इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा जो नदियों का जल आसानी से कोई भी व्यक्ति बिना किसी फिल्टर के पी लेता था नदियों के जल को छोड़िए जो नीचे से पानी निकल कर आता है जमीन के अंदर से निकल कर आता है जो ऑलरेडी कई फिल्टर से होकर निकल कर आता है उनको पीने से पहले भी हम लोग आर नाम का एक फिल्टर लगाते हैं प्रदूषित या प्रदूषण का यह उदाहरण है ध्वनि प्रदूषण चारों तरफ है इसके क्या कारण हैं सरकारी उपाय क्या हैं या फिर व्यवहारिक उपाय क्या हो सकते हैं व्यक्तिगत उपाय क्या हो सकते हैं यह एक अलग से हम लोगों के पास टॉपिक ही हो जाता है प्रदूषण नाम से यह पर्यावरण की समस्याएं दूसरा है पर्यावरण की क्वालिटी में कमी आ जाना है जैसे कि सघन जंगलों के स्थान पर जंगलों की सघनता में कमी आ जाना उनकी फिर से बात करते हैं हम लोग निम्नीकरण भी इसको कहा जाता है पर्यावरणीय नय, अवनयन भी कहा जाता है ये सारी समस्याएं जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एसी ड्रेन हो गया उस पेड़ की गुणवत्ता में निश्चित रूप से गिरावट आनी तय हो जाती है तो ये सभी पहलू हो जाते हैं पर्यावरणीय समस्याओं के यह पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ मूल अवधारणाएं थी या पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ मूल बातें थी इन मूल बातों के अलावा कुछ संकल्पनात्मक बातें और आ जाती हैं जैसे कि बायोम क्या होते हैं जैसे कि पारितंत्र क्या होते हैं और जैसे कि पर्यावरण के प्रति हमारी अनुकूलता किस रूप में होती है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरणीय अनुकूलता के बारे में इन्वायरमेंटल एडोप्टेशन पर्यावरणीय अनुकूलन यह अनुकूलन क्या होता है अनुकूलन किस तरीके से होता है और अनुकूलन होता ही क्यों है देखिए प्रत्येक जीव पर्यावरण में जो भी जीव होते हैं ये सभी जीव एक निश्चित कंडीशन में रहने के लिए मजबूर होते हैं या उसके अभ्यस्त होते हैं उनको एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है निश्चित मात्रा में उनके शरीर को आर्द्रता चाहिए होती है एक पार्टिकुलर किस्म की वनस्पतियां चाहिए होती हैं या फिर ये कहें कि कुल मिलाकर एक निश्चित जलवायु की आवश्यकता होती है जब कभी इस जलवायु के स्वरूप में परिवर्तन आता है तो यह उन जीवों के लिए असहनीय हो जाता है क्योंकि लंबे समय से जब से उनकी उत्पत्ति हुई है उस क्षेत्र में लगातार बने रहने के कारण ही वह उस क्षेत्र के प्रति इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने वैसे परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है यही उसका अनुकूलन कहलाता है अनुकूलन का अर्थ होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का एक निश्चित पैटर्न है अपना एक निश्चित सिलेबस है अब इस सिलेबस में जैसे ही बदलाव हो है मान लेते हैं कि कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं और कुछ चीजें इसमें से घटाकर हटा दी जाती है और आपने तैयारी की है पहले वाले सिलेबस की तो इस बदले हुए सिलेबस के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना आपकी अनुकूलता को दिखाता है यही अनुकूलन कहलाता है तो जब कहीं किसी क्षेत्र में कोई जीव निवास करता है या रहने का काम करता है तो उनके वातावरण के अनुसार उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को वह व्यवस्थित कर लेता है और जब कभी इसमें परिवर्तन आता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और पुनः या तो उसके प्रति समायोजन की कोशिश करता है यानी कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार रहने की कोशिश करता है या फिर अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ आंतरिक या बाहरी परिवर्तन करता है जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि अगर कोई जीव पृथ्वी के इस हिस्से में रह रहा है या इस हिस्से में रह रहा है और वह गर्मी में रहने की का आदि है अधिक तापमान में रहने का आदि है जब कभी इधर शीत ऋतु का समय आएगा जब कभी इधर ठंडा का मौसम आएगा ठंड का मौसम आएगा तो वह गर्मी वाले क्षेत्र में धीरे धीरे माइग्रेट करके चला जाएगा आपने कई बार सुना होगा कि भारत में कई माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया के कुछ पक्षी एक पार्टिकुलर मौसम में भारत में आ जाते हैं ये सारी चीजें क्यों हो पाती हैं? यही अनुकूलता कहलाती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु भरपूर प्रयास करते हैं भरसक कोशिश करते हैं जब तक वो जिंदा अपने आप को रख सकते हैं अगर अनुकूलता नहीं होती या अनुकूलन नहीं हो पाता है तो अंततः उस जीव की मौत भी हो सकती है देखिए पर्यावरणीय अनुकूलन कई स्तरों पर होता है एक तो होता है संरचनात्मक स्तर पर एक होता है व्यवहारात्मक स्तर पर और एक होता है शारीरिक स्तर पर इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल इसको कहा जाता है बिहेवियरियल और इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल तीन स्तर पर अनुकूलन का काम होता है एक शारीरिक संरचना यानी कि ऊपर से जैसा दिखता है ऊपरी आवरण में परिवर्तन करना या उसके अनुरूप उसके शरीर की संरचना का निर्माण होना जैसे यह प्रभाव मनुष्यों पर भी देखा जाता है मनुष्यों पर भी पर्यावरण का निश्चित ही प्रभाव पड़ता है जैसे किसी का रंग हल्का होना किसी का रंग गाढ़ा होना किसी के कान लंबे होना किसी के कान छोटे होना किसी के नाक पतली होना किसी के नाक चौड़ी होना तो यह पतली नाक चौड़ी नाक छोटे कान बड़े कान ये सब संरचनात्मक स्तर पर अनुकूलन को दिखाते हैं अगर कोई जीव अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोई भी जीव जो ठंडे प्रदेशों में रहता है ध्रुवीय क्षेत्र में या पोलर एरिया में रहता है तो उसका रंग होता है हल्का लाइट कलर होता है या अगर वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहता है तो उसके शरीर का रंग डार्क हो जाता है जैसे पोलर बियर और जो हमारे यहां भालू पाए जाते हैं उनके बीच में तुलना करने पर यह अंतर स्पष्ट हो जाता है अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे कान बड़े जल्दी गर्म होते हैं और बड़े जल्दी ठंडे होते हैं अगर गौर किया होगा तो गुस्से में जब आप तमतमाते तमाते हैं तो कान गर्म हो जाते हैं और जैसे ही ठंड का मौसम होता है सबसे पहले लोग कान को ढकने की कोशिश करते हैं मफलर वगैरह पहनकर और टोपी पहनकर अपने कान को ढकते हैं ऐसा माना जाता है कि कान से सर्दी शरीर के अंदर चली जाती है कान जल्दी ठंडे हो जाते हैं यानी कि जो हमारे शरीर के कान होते हैं ये उष्मा के विकिरण यानी कि उष्मा को शरीर से निकालने का एक बड़ा अच्छा माध्यम होते हैं तो ऐसे में क्या होता है अगर गर्म क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु हैं तो उनके कानों की संरचना या कानों का आकार अलग होगा और ठंडे क्षेत्र में रहने वाले वही जीव जंतु हैं तो उनके कान अलग होंगे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाली लोमड़ी के जो कान होते हैं ये छोटे होते हैं क्यों क्योंकि अगर कान का आकार बड़ा हो तो उस सरफेस से निकलने वाली हीट की मात्रा ज्यादा होगी और जब हीट की मात्रा ज्यादा होगी तो वह अपने शरीर में हीट बचा पाने में अक्षम होती चली जाएगी लेकिन जब हम मरुस्थलीय लोमड़ी की बात करें जैसे उदाहरण के लिए मरुस्थलीय लोमड़ी की बात करें तो इसके कान बड़े होते हैं कान बड़े होते हैं और जब हम ध्रुवीय लोमड़ी की बात करते हैं इसके कान छोटे होते हैं इसके कान छोटे होते हैं कान बड़े क्यों हैं क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा हीट हीट रेडिएट करनी है अपने शरीर से हीट बाहर निकालनी है और इसके कान छोटे क्यों होते हैं क्योंकि इसको अपनी ऊर्जा या उष्मा बचा के रखनी होती है इसका उदाहरण आप अपने शरीर के अंदर भी देख सकते हैं कि जब सर्दी का दिन आता है सर्दी की रातें होती हैं जब ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है हम सारी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं और सिकोड़ कर कम से कम एरिया में आने की कोशिश करते हैं ऐसे में घुटना आ जाता है पेट के अंदर इस रूप में हम अपने आप को व्यवस्थित करने का काम करते हैं ताकि हमारा सरफेस एरिया जो है यह कम से कम एक्सपोज रहे और निकलने वाले हिट के लिए कम से कम स्थान मिल पाए और हमारे शरीर के अंदर की गर्मी बनी रहे वहीं जब गर्मी का सीजन आता है गर्मी के दिन होते हैं तो हम चारों खाने चित्त होकर पसर कर सोते हैं अपना सरफेस एरिया बढ़ाकर सोते हैं क्यों क्योंकि हम उस समय अपने शरीर से बहुत अधिक से अधिक मात्रा में हीट रेडिएट कर देना चाहते हैं ताकि हमारे शरीर में कम से कम हीट रहे और हमें गर्मी कम से कम महसूस हो तो यह जो अनुकूलन होता है संरचना के स्तर पर होता है संरचना के स्तर पर यह अनुकूलन होता है दूसरा अनुकूलन व्यवहार के स्तर पर होता है और व्यवहार के स्तर पर जो अनुकूलन होता है इसमें सबसे प्रमुख हो जाता है माइग्रेशन या प्रवास जिसका उदाहरण हम लोग ले भी रहे थे जैसे कि अधिक ठंड होने हो जाने की स्थिति में वेल मछली जो होती है वह गर्म जल की ओर जाने लगती है या सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण जब मौसम में परिवर्तन आता है तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ ही कुछ पशु पक्षियों का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है और उसे ही प्रवास कहा जाता है यानी कि उनके व्यवहार में इस तरह का जो परिवर्तन आ गया है या इस तरह के व्यवहार करने के वो अभ्यस्त हो चुके हैं यही व्यवहारिक या व्यवहारात्मक स्तर पर अनुकूलन कहलाता है अगर वो प्रवास न करें अगर वो विस्थापित न हो अगर वह एक जगह से दूसरी जगह न जाए तो उनका जीवन संकट में पड़ सकता है उनके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है तीसरा जो अनुकूलन का स्तर होता है यह शारीरिक होता है और शारीरिक फिजियोलॉजिकल जो होता है यह शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ा होता है देखिए संरचनात्मक क्या है यह बाहर से दिखाई देने वाला है और शारीरिक क्या है यह दिखाई देने वाला नहीं है जैसे उदाहरण के लिए ऊंट मरुस्थल में रहता है ऊंट की संरचना ऐसी होती है कि लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है मछली के शरीर के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिससे वह पानी में भी सांस ले सकती है एक सवाल पढ़ते होंगे मछलियां गलफड़ों के सहारे सांस लेती है तो मछली के अंदर की संरचना ऐसी है अगर हम भी मछलियों की तरह व्यवहार करें तो हमारी शारीरिक संरचना ऐसी है ही नहीं कि हम पानी में जाकर सांस ले पाए मर जाएंगे ऐसे ही इसी तरीके से एक जीव होता है जिसको कहते हैं कंगारू चूहा कंगारू चूहा कंगारू चूहा की कि जो किडनी के स्तर पर शारीरिक संरचना होती है यह बाकी जीव जंतुओं से भिन्न हो जाती है कंगारू चूहा जल संचयन में इतनी इतनी महारत हासिल किए हुए होता है कि उसका जो यूरिन होता है वह यूरिन भी बहुत ठोस होता है सोचिए जब यूरिन ठोस रूप से बाहर निकले तो किडनी को कितना सशक्त और इफिसियंट होना पड़ता होगा तो कंगारू चूहे की किडनी इसी तरीके से निर्मित होते हैं इसी तरीके से विकसित होते हैं कि वह कम से कम जल में ठोस यूरिन निकाल कर भी जिंदा रह सकता है यह शारीरिक स्तर पर आए हुए अनुकूलन के लक्षण है या उदाहरण है यह अनुकूलन केवल जीवों में नहीं होता है यह अनुकूलन वनस्पतियों में भी होता है और यहां से मतलब पहले तो प्रश्न नहीं पूछे जाते थे लेकिन पर्यावरणीय अनुकूलन से अब प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अधिक होती चली जा रही है यह अनुकूलन पौधों में कैसे होता है जैसे कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों का स्वरूप हमेशा उन पौधों से भिन्न होगा जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं जैसे कि जो टूडरा क्षेत्र की वनस्पतियां होती हैं जैसे टैगा क्षेत्र की वनस्पतियां और जैसे अगर हम लोग बात करें कि वर्षा वनों की वनस्पतियां वर्षा वनों की वनस्पतियां तो टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियों को देखिएगा तो वहां पर कुछ कवक होते हैं लाइकंस होते हैं लाइकंस मतलब काई जैसे बहुत बरसात का पानी किसी दीवार से होकर लगातार बहता है तो उस पर काई जम जाती है कुछ कुछ उसी तरह की संरचना टुंडरा क्षेत्र की वनस्पतियों के रूप में हमें देखने को मिलती है एडोप्ट कर गए हैं टैगा के वनस्पतियों की अगर हम लोग बात करें तो टैगा में शंकुधारी वन पाए जाते हैं और ये शंकुधारी वन इस रूप में होते हैं इसी रूप में शंकुधारी वन पाए जाते हैं अब ये शंकुधारी वन ऐसे कोड़धारी क्यों होते हैं क्योंकि टैगा ऐसी जलवायु क्षेत्र की वनस्पति है ऐसे जलवायु क्षेत्र की वनस्पति है जहां पर एक निश्चित समय तक बर्फबारी होती रहती है हिमपात तो होते रहता है अगर मान लेते हैं यह शंकवाकार न होकर अगर वनस्पतियों का स्वभाव इस तरह से होता तो जब सारी की सारी बर्फ इसके ऊपर गिरती इसके वजन से यह वृक्ष टूट नीचे गिर जाते शंकुधारी होने से क्या हुआ कि यहां की बर्फ फिसल कर नीचे आ जाती है और ये पौधे या वृक्ष यथावत बने रह जाते हैं इन्होंने एडोप्ट किया है इनकी पत्तियां भी नुकीली होती हैं इनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं वाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए होती हैं कम से कम पानी खर्च करना है इनको पत्तियों का रंग गाढ़ा होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणों को अवशोषित कर सके क्यों क्योंकि यहां पर सूर्य की उपस्थिति बहुत कम समय के लिए रहती है टैगा की विशेषता यही होती है <STEPS> वर्षा वनों की वनस्पतियों की अगर हम लोग बात करें तो ये सघनतम वनस्पति होती है सघनतम होती है अत्यंत कठोर होती है अब इनकी वनस्पतियों की तुलना हम किसी भी वनस्पति से नहीं कर सकते अब वर्षा वनों की वनस्पतियों की खास बात क्या होती है कि ये साधारण ऐसी वनस्पति नहीं होती ये वाला हिस्सा इनका इस रूप में नहीं होता बल्कि कैसा होता है ये हमेशा ऊपर की ओर ऐसे खींचा हुआ होता है ये ये इनकी जो टहनी होती है यह टहनी हमेशा ऊपर की ओर ऐसे खींची हुई होती है कारण क्या है कि वर्षा वनों में सघनता इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पा रही है और जब सूर्य की रोशनी नहीं नीचे पहुंच पा रही है तो सूर्य की रोशनी को पकड़ने के लिए उसको ग्रहण करने के लिए ये टहनियां ऊपर उठना चाहती हैं, और ऊपर उठने के क्रम में ही इनका विकास इस रूप में हो जाता है यह इसकी विशेषता हो जाती है मरुस्थलीय वनस्पतियां अब मरुस्थलीय वनस्पतियां में कैक्टस का नाम आपने सुना होगा कैक्टस अब इनके जो पत्ते होते हैं ये मांसल होते हैं कायदे से इनमें पत्ते तो होते ही नहीं है लेकिन अगर मरुस्थलीय वनस्पतियों में कुछ पत्ते अगर हों भी तो मांसल होते हैं कैक्टस क्या है एक इसी तरह से इसी तरह की एक संरचना होती है कैक्टस की और उसी पर मानसल यानी कि गद्देदार कुछ आवरण लगा होता है और उस आवरण में नुकीले काट निकले होते हैं। अब वो गद्देदार क्यों होते हैं सवाल पहले ऐसे नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि वो गद्देदार क्यों होते हैं तो गद्देदार वो इसलिए होते हैं ताकि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्योंकि कम ही समय के लिए बारिश होती है हमेशा पानी है नहीं इसलिए स्पंज के रूप में जब पत्ते होते हैं तो स्पंज में पानी इकट्ठा हो जाता है और जब सूखा मौसम होता है शुष्क मौसम होता है तो उस समय इस पानी का प्रयोग वो वनस्पतियां करने में सक्षम हो पाती ये इसका कारण है कांटे क्यों होते हैं तो कांटों से कांटों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है प्रकीर्णन भी हो जाता है और बाष्पोत्सर्जन से बचाव हो जाता है काटे होते हैं राइट तो इस तरह से मरुस्थलीय वनस्पतियों का एडोप्टेशन हुआ है अगर हम लोग बात करें मैंग्रोव की तो मैंग्रोव वनों की विशेषता ये होती है कि ये खारे जल में सरवाइव करते हैं ये डूब कर भी जीवित रहते हैं ये डूबकर भी जीवित रहते हैं अब मैंग्रोव वनस्पतियां डूबकर जीवित कैसे रह सकती हैं? क्योंकि जैसे ही हम जड़ों को डुबा देते हैं उनके श्वसन की प्रक्रिया भंग हो जाती है। लेकिन इन वनस्पतियों की खासियत ये है मान लो ये मैंग्रोव वनस्पति है यहां तक पानी भर गया ये डूब गई इनकी जड़ें ऐसे निकली हुई होती हैं इनकी जड़ें ऐसे निकली हुई होती जड़ें ऊपर की ओर निकली होती हैं जहां से श्वसन की क्रिया कर पाते हैं। और इस में ये कर जाते हैं तो इस तरीके का अनुकूलन होता है कहीं खारे जल में जो वनस्पतियां उगती हैं तो उनमें भी स्पंजी पत्ते हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे सॉल्ट या लवड़ जिसको कहते हैं वो जाके स्टोर हो पाए अनुकूलन के कई स्तर हो जाते हैं ये सब उदाहरण है उसके देखिए अनुकूलन करने के लिए अनुकूलन करने के लिए जीव जंतु किस तरीके के व्यवहार करते हैं किस तरीके के व्यवहार करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है इस बात को आप समझ लीजिए अनुकूलन की विधि एक तो होता है प्रवास माइग्रेट कर जाना एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण क्यों जलवायु के कारण या फिर भोजन के लिए जैसे जैसे हम लोग अगर बात करें मान लो यह पृथ्वी है पृथ्वी का यह दक्षिणी गोलार्ध है सदन हेमिस्फेयर है और यह नर्दन हेमस्फेयर है यह गोलार्ध है अब यहां पर मान लीजिए कोई पक्षी रह रही है इस पक्षी के लिए कुछ भोजन चाहिए सूर्य जब तक इस क्षेत्र में उपस्थित है यहां पर धूप के कारण बर्फ पिघली हुई है और उसको अपना भोजन मिल पा रहा है लेकिन तब क्या होगा जब सूर्य यहां से चला जाएगा जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चला जाता है ऊपर की ओर चला जाता है तब यहां पर तापमान कम हो गया और बर्फ जम गई बर्फ जम गई उस पक्षी को भोजन मिलना बंद हो गया जब पक्षी को भोजन मिलना बंद हो गया तो पक्षी के पास दो ही ऑप्शन है या तो भोजन के अभाव में अपने प्राण त्याग दे या फिर जहां भोजन है वहां चला जाए तो अनुकूलन वही होता है कि हम मैक्सिमम टाइम तक सरवाइव करने का प्रयास करते हैं तो अब भोजन की तलाश में अब यहां से उत्तरी गोलार्ध की ओर माइग्रेट करना शुरू कर देती है यहां पर आ जाती है फिर जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा तो फिर यह पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर माइग्रेट कर जाएगा इस तरीके से प्रवास करके यह जीव अपने आप को अनुकूलित करता है पर्यावरण के प्रति और सरवाइव करने में अपनी खुद की मदद कर लेता है जैसे साइबेरियन पक्षी कुछ आते हैं हमारे यहां केवलादेव नेशनल पार्क में भरतपुर के पास कई पक्षी किसी झील के ऊपर जैसे एक झील है कोलेरू झील कोलेरू झील में कई तरह के पक्षियों का प्रवास होता है राइट right? तो अनंत किस्म के पक्षी अनंत किस्म की प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करती हैं इसमें कोई भी अचंभित करने वाली बात नहीं है और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस रूप में भी आप देख सकते हैं जो चलवासी पशुचारण है चलवासी पशुचारण क्या है जब तक भोजन मिलता है पशुओं को जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें सर्दी के दिनों में सर्दी के दिनों में यहां पर मैदानी क्षेत्र में ये चरवाहों के साथ रहते हैं और जैसे ही गर्मी आती है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं जैसे ही फिर सर्दी आती है ये पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ जाते हैं ऐसा आज भी होता है जैसे बद्रीनाथ के इलाके में आप जाइएगा तो जिसको कहते हैं कि बद्रीनाथ का पट खुला या कपाट खुला या क्यों खुला क्योंकि जलवायु में जैसे ही परिवर्तन होता है जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है ऊपर की ठंड जब कम होती है तो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं या उनको इजाजत दी जाती है और जैसे ही ठंड ज्यादा हो जाती है असहनीय हो जाती है मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को जाने से मना कर दिया जाता है तो यह प्रवास एक तरीका हो गया दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं छद्मावरण, छद्मावरण आवरण पहन लेना कई जीव जंतुओं के शरीर पर कुछ विशिष्ट निशानियां होती हैं या विशिष्ट चिन्ह होते हैं यह चिन्ह या निशानी ऐसे ही अनायास नहीं होते बल्कि जिस पर्यावरण में वो जीव जंतु रहते हैं उसके अनुरूप उनको रखने के लिए उनके शरीर में यह परिवर्तन पाया जाता है जैसे गिरगिट जहां भी जाता है वहां अपना रंग बदल लेता है हालांकि मनुष्यों से कम बदलता है लेकिन बदल तो लेता ही जिस पर्यावरण में रहता है उस क्षेत्र में जाकर उसी रंग का हो जाता है गिरगिट को पहचान पाना या गिरगिट को पकड़ पाना या उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है यह गिरगिट के स्तर पर हो जाता है दूसरा तितली तेंदुआ या कुछ धारीदार सांप होते हैं ऐसे कि जिनको आसानी से आप पहचान ही नहीं पाएंगे जैसे सवाना क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर पर धारियां इसीलिए होती हैं कि सवाना में घास है और घास के पीछे उनको छुपना है तो घास के पीछे छुपते समय जब उनके शरीर पर धारी होगी तो आसानी से शिकारी की नजर में वो जीव जंतु नहीं आ पाते और अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं यह छदमावरण कहलाता है छदमावरण के अलावा और भी तरीके होते हैं अनुकूलन की विधियों के अं। अंतर्गत एक हो जाता है निष्क्रियता इसको कहते हैं हाइबरनेशन हाइबरनेशन या निष्क्रियता की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर थोड़ी सी बात यह समझनी जरूरी है कि जीव एक आधार पर दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं एक को कहा जाता है वार्म ब्लडेड और एक को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का मतलब हो जाता है वैसे जीव इनको कहा जाता है गर्म रक्त शीतल रक्त या ठंडे खून गर्म खून वाले जीव और ठंडे खून वाले जीव वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि बाहर का परिवेश चाहे जैसा भी हो वह अपने शरीर के अंदर का तापमान एक कांस्टेंट बनाकर रख पाने में सक्षम होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य मनुष्य इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है हमारे शरीर के अंदर का तापमान 30 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है रहता है इतना कांस्टेंट होता है अब जब कभी बाहर का तापमान कम होता है और हमारे शरीर के अंदर का तापमान कम होना शुरू हो जाता है भाई बाहर का पर्यावरण का तापमान जब कम है जब बाहर ठंड है तो हमारे अंदर का तापमान भी कम होना शुरू हो जाता है ऐसे में मनुष्य क्या करता है कांपने लगता है और उसके कांपने से कांपना भी दरअसल एक तरह का एक्सरसाइज है और कांपने से उसके कंपन के कारण उसके शरीर का टेम्परेचर फिर से थर्टी सेंटीग्रेड तक मेंटेन हो जाता है यह कहलाते हैं हॉट ब्लडेड या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं तो वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं जैसे मेंढक है घोंगा है ये सब ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा मेंटेन कर पाने में सक्षम नहीं होते इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल के रूप में जाना जाता है जैसे मेंढक घोंगा बियर भी इसका उदाहरण हो सकता है रोनेंट भालू भी इसका उदाहरण हो सकता है अब देखिए होता क्या है मनुष्य क्योंकि बाहरी वातावरण के बावजूद यानी कि बाहरी वातावरण के प्रतिकूल होने के बावजूद अपने शरीर का तापमान मेंटेन कर पाने में बरकरार बर रख पाने में सक्षम है इसलिए इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य ज्यादा भोजन करने का अभ्यस्त होता है ज्यादा भोजन करने का आदि होता है मेंढक को ऐसा नहीं करना होता है अपने शरीर का तापमान बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं कर पाता है उसको भोजन कम चाहिए होता है अब ये निष्क्रियता क्या कहलाती है निष्क्रियता निश्क, कहलाती है कि जब कभी जलवायु में या मौसम में या परिस्थितियों में या वातावरण में या पर्यावरण में परिवर्तन होता है अगर जो जीव प्रवास करने में या माइग्रेट करने में सक्षम है वो तो माइग्रेट करके चला जाता है लेकिन अगर जो जीव माइग्रेट करने में सक्षम नहीं है और उसको भोजन नहीं मिलेगा फिर से वही उदाहरण हम लोग लें कि मान लीजिए यहीं पर कोई जीव है मान लीजिए यहीं पर कोई जीव है और बर्फ यहां इस क्षेत्र में जम गई उसके भोजन की उपलब्धता खत्म हो गई तो वह जीव यहां चला जाए तो बेहतर है माइग्रेट कर गया तो बेहतर है और माइग्रेट नहीं करता है तो उसके पास ऑप्शन ही क्या है कि या तो बिना भोजन के रहे या फिर मर जाए भोजन के बिना तभी रह सकता है जब वह अपने क्रियाकलापों पर बंदिश लगा दे और क्रियाकलापों पर बंदिश लगा देना ही हाइबरनेशन कहलाता है निष्क्रियता कहलाती है देखिए क्या होता है यह दो तरह की होती है एक को कहते हैं शीत निष्क्रियता और एक को कहते हैं ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता तो निष्क्रियता का मतलब है अपने शरीर को इनएक्टिव कर देना यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता ही ना पड़े हम कुछ करेंगे नहीं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती नहीं है यह कोल्ड ब्लडेड जीवों की ही ज्यादातर विशेषता होती है तो देखिए शीत निष्क्रियता का मतलब होता है जब ठंड अधिक हो जाए वैसे में अपने शरीर को हाइबरनेशन में ले जाकर डाल देना जैसे कंप्यूटर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम का जब प्रयोग नहीं होता है वहां पर ऑप्शन आता है शट डाउन का रिस्टार्ट का और वहीं पर एक ऑप्शन होता है हाइबरनेशन का मतलब जिंदा तो है लेकिन ऊर्जा की खपत नहीं है तो हाइबरनेशन में ऐसे जीव चले जाते हैं शीत निष्क्रियता करने वाले जीवों में जैसे रोडेंट भालू पोलर बियर इसी तरह के उदाहरण हो जाते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब होता है कि गर्मी जब ज्यादा हो जाए गर्मी अधिक हो जाने के कारण अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि वह काम नहीं कर सकता अपना मतलब उसके शरीर का तापमान तो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा वो चेंज हो नहीं सकता और गर्मी में एक्टिवनेस उसकी समाप्त हो जाती है तो जब ग्रीष्मकालीन एक्टिवनेस समाप्त हो जाती है उसको कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता ऐसे में जैसे कुछ मगरमच्छ हैं कुछ घोंघे हैं कुछ कछुए हैं ये इस तरह के हाइबरनेशन में चले जाते हैं हाइबरनेशन में जाने का उद्देश्य है बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण करना और कारण क्या है इसका कि तो उनके लिए भोजन उपलब्ध नहीं है तो देखिए निष्क्रियता में क्या होता है आखिर निष्क्रियता में निष्क्रियता में ये सभी जीव जिंदा कैसे रह पाते हैं तो इनके जिंदा रहने का कारण जो है वह यह है कि जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो एक लोमड़ी है अब लोमड़ी कई महीना पहले से ही जब उसके जिंदगी के प्रतिकूल स्थितियां आने वाली होती हैं तो उसके पहले से ही वह मांस इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि जब प्रतिकूल पर्यावरणीय कंडीशन हो जाए और वह घर से बाहर निकलना उसके लिए संभव न हो पाए उसी मांस को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर पाए इसी तरीके से जो भालू होता है यह पहले से ही अपने शरीर की चर्बी बढ़ाना शुरू कर देता है और जब शरीर की चर्बी बढ़ाना शुरू कर देता है सर्दियां आते आते चर्बी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हाइबरनेशन में जाने के बाद यानी कि निष्क्रिय होने के बाद अब इसके चर्बी से ही उसको भोजन मिलनी भोजन मिलना शुरू हो जाता है और इस तरह से वह लगभग लगभग सौ दिन तक बिना कुछ खाए पिए भी रह जाता है यही निष्क्रियता होती है घोंघा कछुआ मगरमच्छ और शीत निष्क्रियता के उदाहरण में हम लोग बात करें तो रोडेंट भालू पोलर बियर, चमगादड़ ये सब शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं और ग्रीष्म निष्क्रियता वाले मगरमच्छ घोंघा कछुए इत्यादि इत्यादि होते हैं तो यह अनुकूलन की एक और विधि हो जाती है निष्क्रियता अनुकूलन की एक और जो विधि होती है वह होती है मिमिक्री मिमिक्री का मतलब होता है अनुसरण इसको हिंदी में कहा जाएगा तो अनुसरण या अनुकरण कहेंगे इसको मिमिक्री का मतलब होता है दूसरे जीव की तरह दिखना या दूसरे जीव की तरह व्यवहार करना अब मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं अब दो जुड़वा भाई हैं एक उसमें से खुराफात कर रहा है लोग आ रहे हैं दौड़कर और दूसरा खड़ा हो जाए और कहे कि मैंने नहीं किया है दूसरे वाले ने किया है और दूसरा वाला कहे कि मैंने नहीं किया है दूसरे वाले ने किया है ऐसे में सामने वाले के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाती है कि वह किसको पकड़े किसका शिकार करे किसका शिकार न करे तो मिमिक्री का मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव की तरह दिखना शुरू कर देता है या उसकी तरह अपने शरीर में परिवर्तन कर लेता है कई बार तो उसकी भाव भंगिमाओं में भी परिवर्तन आ जाता है उसके भाषाओं में भी परिवर्तन आ जाता है और यहां तक कि उसके सोने उठने जागने यानी कि क्रियाशीलता में भी परिवर्तन उसी रूप का हो जाता है जैसे कि दूसरे जीव का होता है अपवाद स्वरूप अगर हम लोग बात करें तो एक जीव मतलब कि साधारण रूप से यह होता है कि एक पेड़ का अनुकरण या पेड़ की मिमिक्री दूसरा पेड़ ही कर पाता है एक जानवर की मिमिक्री दूसरा जानवर ही कर पाता है लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है कि एक पेड़ की मिमिक्री यानी कि पेड़ के जैसा दिखने की कोशिश या पौधे की जैसे दिखने की कोशिश एक जानवर भी करने लगता है हालांकि ये बहुत ही रेयरली पाया जाता है तो मिमिक्री अनुकूलन का एक तरीका है ताकि अपने शिकारी को धोखा दिया जा सके तितलियां इसमें बड़ी महारत हासिल करती हैं बटरफ्लाई मिमिक्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण इसका हो जाता है तो यह पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण की संकल्पनाओं से संबंधित पर्यावरण की समस्याओं के बारे में एक परिचयात्मक पहलू और पर्यावरणीय निम्नीकरण या प्रदूषण के बारे में एक संक्षिप्त परिचय से संबंधित हमारा टॉपिक था इसकी जो दूसरी बात है वह बात यह है कि पर्यावरण के अलावा पारितंत्र बायोम इन सब से भी परिचित हमें होना पड़ता है वास्तविक रूप से पर्यावरण के जैविक और अजैविक संगठक के जहां फंक्शनैलिटी होता है या क्रियाकलाप होते हैं उसको कहा जाता है पारितंत्र और पारितंत्र के बेहद बृहद स्वरूप को कहा जाता है बायोम और बायोम के बृहद स्वरूप को कहा जाता है बायोमंडल देखिए क्या है बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पारितंत्र को बायोम को और जैवमंडल को इस पूरी कहानी का सार समझिए पूरी कहानी को समझिए जीवन की उत्पत्ति जहां से मौलिक रूप से मानी जाती है यानी कि जीवन के सूक्ष्मतम इकाई के रूप में हम लोग परमाणु को देखते हैं अगर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में न जाए तो परमाणु है परमाणुओं से अणु बने अड़ू से कोशिकाएं बनती हैं जिनको सेल्स कह कहा जाता है सेल्स से टिश्यूज बनते हैं टिश्यूज़ हिंदी में इसको उत्तक कहते हैं टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग अंग से ऑर्गेनिज्म बनता है ऑर्गन organ से ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको कहा जाता है जीव जीव से उसकी जनसंख्या बनती है जिसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन जनसंख्या के मिलने से समुदाय बनता है कम्युनिटी। यहां से पारितंत्र या इकोसिस्टम सिस्टम बनता है फिर बायोम फिर बायोस्फीयर, फिर हमारा प्लानिट ग्रह जिसको कहा जाता है पृथ्वी इसी रूप में इसी रूप में इनका निर्माण हुआ है जीवन का या जीवों के समुदाय का निर्माण हुआ है सूक्ष्मतम इकाई अड़ु से सेल्स मॉलिक्यूल सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स बायोस्फेयर प्लैनेट, प्लैनेट से सौर सौर सिस्टम या सोलर सिस्टम सौर मंडल जिसको कहा जाता है यूनिवर्स इसी तरह से इनकी रचना हुई है जीव यहां पर मनुष्य खड़ा है जीव का उदाहरण मनुष्य हो जाता है शेर हो जाता है कुत्ता हो जाता है यानी कि एक जो जानवर आपको दिखाई देता है एक जो वनस्पति आपको दिखाई देती है वह जीव का उदाहरण हो सकती है अब यहां से हम लोगों की बात चलती है इकोलॉजी की देखो अड़ू सेल्स अड़ु सेल्स टिश्यूज ऑर्गन ऑर्गेनिज्म ये सब बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है बायोस्फेर के ऊपर चले हम लोग प्लैनेट, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स यह भूगोल और खगोल का की बात हो जाती है इकोलॉजी में हम लोग बात करते हैं बायोस्फेयर से लेकर और पॉपुलेशन या मैक्सिमम कम्युनिटी तक इनके बारे में ही चर्चा परिचर्चा करनी होती है और इनमें भी ज्यादातर बात करनी होती है पारितंत्र की तो समझ लेते हैं कि बायोस्फेयर बायोम और पारितंत्र क्या होता है देखिए जब जीव इंडिविजुअल हो अकेला हो तो वह जीव कहलाता है एक ही जैसे जीव जब समूह में रहने लगे एक ही जैसे जीवों का जब समूह बन जाए तो उसको जनसंख्या कहा जाता है जैसे मनुष्य किसी निश्चित क्षेत्र में रहना शुरू कर दे तो मनुष्य की जनसंख्या शेर किसी निश्चित जंगल में रहना शुरू कर दे तो शेर की जनसंख्या यानी कि जो प्रजाति या जो स्पीसीज एक ही तरह की स्पीसीज जब बहुत सारी मात्रा में होती है तो वह उसका पॉपुलेशन कहलाता है बहुत सारी प्रजातियां बहुत सारे जीवों की जनसंख्या जब एक साथ इकट्ठी कर ली जाती है तो समुदाय बनता है जैसे कुछ शेर भी हैं, कुत्ते भी हैं मनुष्य भी है गधे भी हैं है, पेड़ पौधे भी हैं तो यह समुदाय हो जाएगा पूरा का पूरा कम्युनिटी हो जाएगा अब जब इस कम्युनिटी के साथ हम लोग निर्जीव चीजों को भी शामिल कर लेते हैं यानी कि मिट्टी धूल पानी वर्षा बादल इन सब को भी शामिल कर लेते हैं तो पारितंत्र बन जाता है इकोसिस्टम बन जाता है और इकोसिस्टम से जब आगे बढ़ते हैं एक एरिया एक वनस्पति के आधार पर एक जलवायु के आधार पर जब हम जीव जंतुओं का समूहन करने लगते हैं ग्रुपिंग करने लगते हैं तो बायोम की रचना होती है और बायोम के ऊपर बायोस्फेयर जहां पर जीवन संभव हो पाता है इसको एक डायग्राम से समझिए सबसे पहले बायोस्फेयर जैवमंडल जैवमंडल का मतलब होता है इस शब्द को दिया था एडवर्ड स्वेस ने एडवर्ड स्वेस ने इस शब्द को दिया था बायोस्फेयर का मतलब होता है जहां किसी भी रूप में जीवन संभव हो किसी भी रूप में जीवन संभव हो और यह जीवन संभव कहां है इसको लेकर कई तरह की विचारधाराएं हैं कई तरह के मत हैं किसी का कहना है कि समुद्र के जल में 200 मीटर की गहराई से लेकर ऊपर की ओर समुद्र की तली से ऊपर 6 किलोमीटर तक जीवन संभव है कुछ विचारकों का यह मानना है कि समुद्र की तली से लेकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र की तली से लेकर 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जीवन संभव है यानी कि समुद्र की तलहटी से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक का एरिया कहलाता है बायोस्फेयर या जैवमंडल यहीं पर जीवन संभव हो पाता है जीवन के लिए तीन चीजें चाहिए होती है जीवन के लिए सबसे पहली बात चाहिए होती है वायुमंडल यानी कि हवा पानी और जमीन यानी कि जहां पर स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल का सम्मिलित प्रभाव पाया जाएगा वही एरिया जीवन के लिए सक्षम हो पाएगा अन्यथा वहां पर जीवन पनपने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यानी कि जैव मंडल वही स्थान है जहां पर तीनों विशेषताएं एक साथ आकर मिलती हैं। एक दो तीन और चार चार चीजें हैं पहले को हम लोग मान लेते हैं वायुमंडल दूसरे को हम लोग मान लेते हैं जलमंडल और तीसरे को अगर मान लें हम लोग स्थलमंडल ये तीनों पर्यावरण के हिस्से हैं तो जो चौथा है यही चौथा हिस्सा कहलाएगा जैवमंडल यानी कि जलमंडल वायुमंडल और स्थलमंडल मिलकर पृथ्वी का निर्माण अगर करते हैं तो पृथ्वी के मात्र इतने छोटे से हिस्से पर ही जीवन संभव हो पाता है जिसको कहा जाता है जैवमंडल बायोस्फेयर यह इतना छोटा है ऐसे कल्पना करिए कि एक संतरा है संतरा का छिलका फिर भी मोटा हो जाएगा एक सेव है अगर पृथ्वी एक सेव है तो सेव का छिलका जीव मंडल है यानी कि सेव के बराबर पृथ्वी के आकार में जीवन केवल उतना ही संभव है जितना सेव का छिलका मोटा होता होगा जैव मंडल यही कहलाता है अब सोचिए कि इस पूरे के पूरे जैव मंडल में रहने वाले जीवों को हम किस प्रकार से अध्ययन उनका कर सकते हैं जैव मंडल का एकाकी अध्ययन संभव नहीं हो पाता है समुद्र की तली से लेकर आठ किलोमीटर की ऊंचाई तक रहने वाले जीवों की विशेषता उनका पर्यावरण उनकी आदतें या उनकी और भी विशेषताएं इतनी भिन्न भिन्न होती हैं कि एक साथ उनको समझ पाना पढ़ पाना सम, और अध्ययन उनका कर पाना संभव नहीं हो पाता है तो वायुमंडल बायोस्फेयर या जैव मंडल को हम इसके अंदर विभाजित करने का काम करते हैं और इसका जो छोटा पार्ट निकल के आता है उसे कहते हैं बायोम कहीं कहीं हिंदी में इसको जीवोम भी लिखा होता है तो बायोम का मतलब हुआ निश्चित जलवायविक क्षेत्र जिसका निर्धारण वनस्पतियों की विशिष्टता के आधार पर किया जाता है जो बायोम होते हैं ये जैव मंडल के ही छोटे भाग होते हैं छोटे भाग होते हैं यानी कि सेक्शन ऑफ बायोस्फेयर इज बायोम जहां पर एक पार्टिकुलर किस्म का क्लाइमेट हो जहां पर एक विशेष तरह की जलवायु हो और उस जलवायु के अनुरूप उस जलवायु के अनुसार वहां की वनस्पतियों का विकास हुआ हो जैसे अगर विश्व त्रेखीय क्षेत्र की जलवायु है तो वहां पर विशेष प्रकार की वनस्पतियों का विकास होगा और इन वनस्पतियों को एकदम अलग किया जा सकता है शंकुधारी वनों से शंकुधारी वनों की वनस्पतियों को अलग किया जा सकता है टूंडरा किस्म की वनस्पतियों से पर्णपाती वनों को अलग किया जा सकता है मरुस्थलीय वनों से यानी कि एक निश्चित किस्म की क्लाइमेट बायोम का मतलब आप समझ लीजिए कि निश्चित क्लाइमेट में उगने वाले पेड़ पौधे और उस क्लाइमेटिक कंडीशन में उन पेड़ पौधों के साथ रहने वाले जीव जंतुओं का समूह ही बायोम कहलाता है तो बायोम क्या है बायोम एक ऐसे जीवों का समूह है दरअसल और इस जीव में कौन कौन है जीव में पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं जानवर भी हैं वनस्पतियां भी हैं ऐसे जीव जंतुओं का समूह है ऐसे जीवों का समूह है जो एक निश्चित जलवायुविक क्षेत्र में निवास करती हैं, और उसी जलवायुविक क्षेत्र के अनुसार उनकी शारीरिक या उनकी दूसरी विशेषताएं होती हैं यानी कि उनकी अनुकूलता उनका अनुकूलन उसी जलवायुविक कंडीशन के अनुसार होती है यही बायोम कहलाता है जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय बायोम की हम लोग बात करें तो मरुस्थलीय बायोम की बात करें तो वहां की वनस्पति कैसी होगी कैक्टस की तरह होगी नागफनी की तरह होगी अब वहां रहने वाले जीव जंतु कौन होंगे बड़े बड़े हाथी शेर तो होंगे नहीं बिल में रहने वाले कुछ जानवर होंगे रेंगने वाले कुछ जानवर होंगे कम पानी पीने वाले कुछ जानवर होंगे लेकिन अगर हम लोग विश्वतरेखीय बायोम की बात करें तो विश्वतरेखीय बायोम में हर तरह की वनस्पति पाई जाएगी विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी उन वनस्पतियों के अंदर रहने वाले जीव कैसे होंगे पेड़ पर लटकने वाले होंगे क्यों क्योंकि वर्षा वनों की विशेषता होती है कि इतनी सघन होती हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता और सघनता इतनी अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होने के कारण इनकी भूमि हमेशा दलदली बनी रहती है ऐसे में भारी भरकम जीवों का प्रवेश वहां पर नहीं हो पाता तो ये विश्व तरीके बायोम हो गया इसी तरीके से भर में अलग अलग बायोम के क्षेत्र पाए जाते हैं देखिए कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं और किस अनुकूलन के अनुसार वहां जीव जंतु रहते हैं। तो जो ये ग्रीन कलर है यह ग्रीन कलर दर्शाता है दरअसल यह रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम है यहाँ जलवाय। की जलवायु कंडीशन की विशेषता क्या है विश्व त्रेखीय जलवायु विशेषता क्या होती है सालों भर बारिश होगी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा आर्द्रता हमेशा उच्च रहेगी पचहत्तर प्रतिशत से अधिक रहेगी तो वनस्पतियों का विकास और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का स्वरूप वैसा ही होगा जो उस कंडीशन को एडोप्ट कर सके जो उस कंडीशन में जिंदा रह सके यह पाया जाता है अमेजन कांगो और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में विश्व त्रेखी हो गया इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें स्टेपी बायोम की तो देखिए स्टेपी को अलग अलग क्षेत्र में अलग, अलग अलग नाम से जाना जाता है स्टेपी एक शीतोष्ट कटिबंधीय घास का मैदान है अर्जेंटीना में जिसको पंपास कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में जिसको प्रेरी कहा गया था एशिया में जिसको स्टेपी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है इस रूप में यह स्टेपी बायोम है अब स्टेपी बायोम में छोटी छोटी घासें होती हैं इन घासों के आधार पर रहने वाले जीव जंतु होते होंगे यहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते तो यहां का बायोम अलग हो जाता है इसी तरीके से अगर सबाना की हम लोग बात करें तो सबाना बड़े बड़े घास का क्षेत्र है और इस बड़े बड़े घास के क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं बड़े बड़े घास के क्षेत्र में आप देखिएगा कि यहां पर शेर यहां पर बाघ हाथी और बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं यहां पर भी पेड़ पौधों का बिखराव पाया जाता है कि सघन पेड़ पौधों की सघनता बहुत ज्यादा नहीं होती अब इनके टेम्परेचर की कंडीशन कुछ और है वर्षा की कंडीशन कुछ और है तो वैसे ही जीव जंतु पर सर्वाइव करेंगे जो उस कंडीशन को झेल पाए पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय में रहने वाले जीव जंतु बिल्कुल ही अलग होंगे उन जीव जंतुओं से जो कि पोलर एरिया में रहते अलग अलग हो सकते हैं राइट तो ये दुनिया भर के बायोम है इसमें ग्लेशियर का बायोम है टुंडरा का बायोम है टैगा का बायोम है डेजर्ट का बायोम है भूमध्य सागरीय जलवायु जिसको कहते हैं ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यहां का बायोम है सब बायोम अलग अलग होते हैं जैसे भारत में हिमालय में जो जीव जंतु पाए जाएंगे हिमालय में जिस तरह की वनस्पति पाई जाएगी दक्षिण भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां उनसे अलग होंगी वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु उनसे अलग होंगे कारण जलवायुविक कंडीशन अलग हो जाती है वनस्पतियां अलग हो ही जाएंगी राइट तो यही बायोम है। देखिए अगर इस डायग्राम में हम लोग बात करें तो ट्रॉपिकल यानी कि वैसा क्षेत्र जहां पर तापमान उच्च बना रहता है अधिक रहता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वन और उष्ण कटिबंधीय वन है तो इन वनों के सघनता अपेक्षाकृत ज्यादा होती लेकिन अगर वर्षा घटने लगे तो ये वन घास में बदल जाएंगे जिसको सवाना कहा गया फिर ये डेजर्ट में तब्दील हो जाएंगे मरुस्थल में तो मरुस्थल में देख अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर कैक्टस के अलावा कोई वनस्पति नहीं है ग्रासलैंड में पेड़ पौधे बिखरे हुए कंडीशन में पाए जा रहे हैं लेकिन वहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पेड़ पौधों की सघनता अच्छी खासी होती है राइट टेम्परेट रीजन में जहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है कुछ टेम्परेचर में अगर बारिश हो रही है तो वहां पर जंगल पाए जाएंगे नहीं तो स्टेपी तुल्य घास के मैदान पाए जाते हैं यह डेजर्टिक एरिया हो जाता है जहां पर बारिश नहीं हो और तापमान भी कम हो वहां पर कोल्ड डेज यहां वहां पर ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं तो ठंडे मरुस्थल में वही जीव जंतु रहेंगे जो उतने कम तापमान को बर्दाश्त कर पाते हैं सब आर्कटिक रीजन जिसको टैगा क्षेत्र कहा जाता है टैगा में देखिए वनस्पतियों का स्वरूप एकदम शंकुधारी बना हुआ है और टुंड्रा में मॉसेस और लाइकंस जिसको काई कहा जाता है यही पाए जाते हैं यहां पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है और रेनफॉल भी कम होती है कम होती है। एक तरफ तापमान दिखाया गया है और दूसरी तरफ घटती हुई वर्षा की मात्रा है तो तापमान अधिक वर्षा अधिक वनों की सघनता अधिक तापमान अधिक वर्षा कम मरुस्थल तो जिस तरह की जलवायु होगी उसी के अनुसार पेड़ पौधे और उन्हीं के अनुसार जीव जंतुओं का समूह ही बायोम कहलाता है यही पूरा का पूरा बायोम होता है यही सारे बायोम के अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं अलग अलग रूप हो जाते हैं बायोम के अलावा जो शब्द है वह है पारितंत्र पारितंत्र क्या होता है इकोसिस्टम इकोसिस्टम को वैसे तो विस्तार से पढ़ना है यहां पर अगर संक्षिप्त में हम लोग समझें इकोसिस्टम का मतलब होता है जब हम जीवों को उनके पर्यावरण के साथ जोड़ देते हैं तो इकोसिस्टम का निर्माण होता है बायोम में क्या लिया गया था बायोम में केवल जीवों को शामिल किया गया था इकोसिस्टम में जीवों के साथ निर्जीव तत्वों को भी शामिल किया जाता है निर्जीव तत्व का मतलब क्या हुआ जैसे कि एक शेर है उसकी जो गुफा होगी वह भी पारितंत्र का अंग हो जाएगी वहां जिस जंगल में रहता है वह जंगल भी उसके पारितंत्र का हिस्सा हो जाता है हवा पानी ऊर्जा सब कुछ पारितंत्र के तहत आ जाते हैं और जब हम इनके संबंधों का अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी कहलाती है इकोलॉजी कहलाती है पारिस्थितिकी विज्ञान उसको कहा जाता है तो तीन शब्द हैं तीन शब्दों में आपको अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए पहला जैवमंडल जैवमंडल दूसरा बायोम और तीसरा पारितंत्र जैवमंडल वह क्षेत्र जहां किसी भी रूप में जीवन संभव हो बायोम बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल का निश्चित भूभाग जहां जलवायु निश्चित प्रकार की पाई जाती है पाई जाती है और उसमें समान अनुकूलन वाले जीव निवास करते हैं इसको आप समझ लीजिए बायोम को फिर से बायोम वैसे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का समूह है जिनका अनुकूलन जिनका एडोप्टेशन एक जैसा होता है क्यों क्योंकि वो एक ही तरह की क्लाइमेट में पाए जाते हैं टैगा में पाए जाने वाले चाहे पेड़ हो चाहे जीव जंतु हो वही होंगे जो उस कम तापमान को बर्दाश्त कर सके मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव और पेड़ पौधे वैसे ही होंगे जिनसे कम से कम पानी की क्षति हो और जो कम से कम पानी में सरवाइव कर पाए इन दोनों को जब मिला देते हैं तो मरुस्थलीय बायोम का निर्माण हो जाता है पारितंत्र क्या हो गया पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह तो बायोम में केवल बायोटिक कंपोनेंट लिए जाते हैं इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों तत्वों को शामिल किया जाता है यह अंतर होता है दोनों में देखिए जब बायोम की हम लोग बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि एक अगर अगर भारत की हम लोग बात करें तो यहां पर मान लो कि बारिश हमारे यहां पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर रेनफॉल कम हो रहा है टेम्परेचर एक जैसा है वर्षा कम हो रही है तो यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं सपोज करिए मान लेते हैं कि इस एरिया में सदाबहार वन यहां पर पर्णपाती वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यहां पर मरुस्थल पाया जा रहा है मरुस्थल है इनके बीच में कहीं घास या कटीले वन पाए जाएंगे तो एक बायोम हमारा हो जाता है मरुस्थल का और एक बायोम हो जाता है हमारा कटीले वनों का कटीले वन और ये हो जाता है मरुस्थल का अब इन दोनों के वह ओवरलैपिंग एरिया क्या कहलाता है जहां पर इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर सदाबहार वन खत्म हो गया अब इस जगह से जाकर मरुस्थल शुरू होगा ऐसा नहीं होगा होगा क्या कि यहां पर सदाबहार वन खत्म हो गया और यहां से मरुस्थल शुरू होना शुरू हो जाता है यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ एरिया ओवरलैप जरूर करते हैं ऐसे एरियाज को कहा जाता है इकोटोन्स एक शब्द क्या जाता है इकोटोन इकोटोन क्या है दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र या दो पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र जैसे एक उदाहरण के रूप में ऐसे ले सकते हैं आप एक नदी है इस नदी में पानी भरा हुआ है तो ये पानी से भरी हुई नदी एक अलग ही पारितंत्र का प्रतिनिधित्व करती है यहां पर सपोज करिए कि स्थलीय क्षेत्र है ये स्थलीय क्षेत्र है ये अब इस स्थल और जल के बीच में एक ऐसा एरिया होगा जहां पर दो विशेषताएं एक साथ पाई जाएंगी यहां पर जल और स्थल दोनों की विशेषताएं एक साथ पाई जाएंगी और जब दोनों की विशेषताएं एक साथ पाई जाएंगी तो इसी को कहा जाएगा इकोटोन इसी को कहा जाता है इकोटोन इकोटोन दो बायोम के बीच का ओवरलैपिंग एरिया होता है कॉमन एरिया होता है या संक्रमण क्षेत्र होता है संक्रमण क्षेत्र होता है जब इसकी विविधता अधिक हो जाए तब इस प्रभाव को कहा जाता है कोर प्रभाव इस प्रभाव को कहा जाता है कोर प्रभाव कोर प्रभाव क्या हुआ जैसे यहीं पर अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए अब नदी से निकलकर अगर नदी देखी होगी तो नदी से निकलकर जैसे ही अपने घर की ओर आप जाते हैं तो नदी के रास्ते में घर जाते समय एक एरिया ऐसा आता है जहां पर पैर धसता है पैर क्यों धस रहा है क्योंकि वहां पर जल का भी प्रभाव है और आप डूब क्यों नहीं रहे हैं क्योंकि जमीन का भी प्रभाव है तो जल और जमीन जब दोनों मिली हुई अवस्था में पाई जाती हैं उसको कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र और उस संक्रमण क्षेत्र को इकोलॉजी में इकोटोन के नाम से जाना जाता है अब ये ऐसा एरिया है जहां पर जल वाले भी जीव जंतु पाए जाएंगे और जमीन वाले भी जीव जंतु पाए जाएंगे यानी कि दोनों तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे और दोनों तरह के जब जीव जंतु पाए जाएंगे तो इस प्रभाव को कहा जाता है कोर प्रभाव क्योंकि जब दोनों तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे तो इनकी विविधता जल से भी अधिक हो जाएगी और जमीन से भी अधिक हो जाएगी भाई मान लो कि चार जीव पाए जाते हैं इसमें जमीन पर चार जीव पाए जाते हैं जल में तो यहां पर हो सकता है कि चार और चार ये तो पाए ही जाएं दो नए जीव भी पाए जा सकते हैं और कुल मिलाकर इनकी जैव विविधता अधिक हो जाती है कोर प्रभाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जो स्पीसीज यहां पर स्पेशली रहती है उसको एज स्पीसीज के नाम से जाना जाता है तो ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है और संक्रमण क्षेत्र का अपना इकोलॉजी होता है इस इकोलॉजी के चलते ये संक्रमण क्षेत्र महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं जैसे आर्द्र भूमिया इसी रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है तो कुल मिलाकर एक सामान्य तरीके से पर्यावरण की अगर समझ को हम लोग देखें कि पर्यावरण क्या होता है पर्यावरण का महत्व तो क्या है पर्यावरण के घटक क्या है पर्यावरण की समस्याएं क्या है जब समस्याएं हम लोग समझ लेते हैं तो इन्हीं समस्याओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाती है पर्यावरण समझौते की बात की जाती है वायु की संकल्पना को समझे हम लोग वायुमंडल की संकल्पना को हम लोगों ने समझा पारितंत्र की संकल्पना को केवल समझा है पारितंत्र विस्तार से हम लोगों को पढ़ना भी है पारितंत्र क्या होता है कैसे होता है सारी बातें करनी आज के लेक्चर का उद्देश्य था पर्यावरण की एक समझ विकसित करना पारितंत्र के बारे में कुछ जानकारी देना और दूसरा जो उद्देश्य है आने वाले लेक्चर के लिए एक आधार तैयार करना तो देखते हैं कि इस लेक्चर के आधार पर कितने सवाल पूछे गए हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसका पहला प्रश्न है मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं पहला कठोर एवं मोमी पर्ण दूसरा लघु पर्ण तीसरा पर्ण की जगह कांटे निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ए केवल दो और तीन बी केवल दो सी केवल तीन या डी एक दो और तीन सवाल यह है कुल मिलाकर के मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों में अनुकूलता के स्तर पर अनुकूलन के लिए कौन कौन सा परिवर्तन आप देखते हैं या कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं तो कठोर एवं मोमी पर्ण मोमी पर्ण यानी कि वैक्सी लिब्स होते हैं वैक्सी होने का मतलब होता है कि सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाए यानी कि या यह ऑप्शन सही है क्योंकि भाई सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक उसका वाष्पीकरण से बचाव नहीं हो सकता है तो पहला तो सही है दूसरा है लघुपर्ण छोटा पत्ता होगा तो छोटे एरिया में सनलाइट आएगी और छोटे एरिया में सनलाइट आएगी तो उसी हिसाब से उसका बाष्पोत्सर्जन भी होता है दूसरा भी सही है और पर्ण की जगह काटे काटे जब होंगे तो सूर्य की किरणों का फिर से परावर्तन हो पाता है यानी कि तीनों ही बातें सही हैं और इसलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक जवाब हो जाता है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए पहला चमगादड़ दूसरा भालू और तीसरा रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है ए एक और दो बी केवल दो सी ये सभी डी शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं प्रेक्षित की जा सकती तो इन तीनों में ही शीत निष्क्रियता की क्रिया होती है चमगादड़ में भी भालू में भी और रोडेंट में भी इसलिए ऑप्शन सी सही है जो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि निष्क्रियता एक प्रमुख विशेषता होती है ऑप्शन ए कोल्ड ब्लडेड जीवों की बी वार्म ब्लडेड जीवों की सी ए एवं बी दोनों की या डी उपर्युक्त में से किसी की नहीं और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाता है ए चमगादड़, बी कंगारू सी रोडेंट या डी मगरमच्छ तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो दोबारा आपको देखने की या सुनने की जरूरत पड़ सकती है थैंक यू